क्लियर किया था, साथ ही साथ बहुत सा सामान जो इधर से उधर भी डिलीवर भी करना पड़ा था, और पिछले वाली दुनिया में भी काफी ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए थे मिशन कवर करने के। तो चलिए फिर आज भी जो शुरुआत करते हैं, देखते हैं मिशन इस वाले दिन कवर कर पाएंगे। तो बिल्कुल भाई, अगर जो आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वंटी नहीं दबाएं तो दबा दीजिए, जैसे ही लाइव आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के गेम प्ले। यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए ब्लैक ब्रिज लेके फिलहाल एक स्विच हो रहे हैं, देखते हैं फिलहाल हमारा ट्रक जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, और नीचे पानी भी काफी ज्यादा जो है भरा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चारों तरफ। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए ट्रक हमारा खड़ा हुआ है, पानी एक्चुअल में गाड़ी को यहीं पे खड़ी कर दिए थे। चलो भाई इसको पहला काम तो थोड़ा किनारे करके खड़ी करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भरा हुआ था, और यहीं पर फिलहाल गाड़ी को हम खड़ी करके चले गए थे। ओके, चलिए फिलहाल पानी से गाड़ी को हटा दिए, गाड़ी को फिलहाल बंद कर देंगे, देखते हैं मिशन हमें कौन सा करना होगा। पहले थी यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा क्योंकि यहाँ पे एक मिशन है, वहाँ पे आने के बाद ही इस वाले मिशन को हम एक्सेस कर पाएंगे। बाकी की भाई बात करें तो यहाँ पर भी हमें आना पड़ेगा, और यहाँ पर डिलीवर करना होगा, लेकिन हम उनको वहाँ जाने के बाद भी पता चलेगा हमें एक्चुअली वहाँ पर क्या डिलीवर हमें करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी हमारी यहीं पर खड़ी है और ये वाले मिशन के पास आते हैं, देखते हैं हमने हमें एक्चुअली क्या करना है। चलो भाई सबसे पहले तो हम गाड़ी को घुमाते हैं। चलो भाई जल्दी से गाड़ी को घुमा करके निकलते हैं, हाँ यहीं से निकलेंगे सीधा, और ज़्यादा इस उधर उधर जाने की जगह जरूरत नहीं है। कौन सा रास्ता निकलेंगे, अच्छा इधर से आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ये रास्ता है, कहाँ से जाना है किधर से जाना है। चलो थोड़ा इधर ही से किनारे से निकले पहुंचना है वहीं पे एक्चुअल पे, वहाँ पे मिशन कंप्लीट करना है, लेकिन जब तक वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं तब तक मिशन को हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो चलो क्या बात है, कीचड़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पानी तो है ही यहाँ पे, पानी भाई सच में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी का नजर आ रहा है, निकले तो चलो लेकिन जाना कहाँ पे, शायद उधर ही जाना होगा फिलहाल, चलो यहाँ से पहले निकलते हैं देखते हैं। चलो चलिए फिलहाल गाड़ी को थोड़ा स्पीड से ही लेकर के चलेंगे यहाँ से। ओ भाई चलो ठीक है, कहाँ पे जाना है देख लेते हैं एक बार, मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद है ऊपर घूमने की जरूरत ना पड़े, ये वाला रास्ता सीधा आना है, ये वाला रास्ता सीधा आना है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, बस सीधा रास्ता जाना है। अच्छा टनल की तरफ बता रहा है उधर से जाओ, लेकिन भाई टनल हमें नहीं जाना है, हमें तो अपनी मंजिल पे जाना है।
यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लगे, इतने सारे भाई पेड़ लगे हैं यहाँ पे, यहाँ निकले भी कैसे यहाँ से। ओके चलो चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं की और चढ़ाई करके कहाँ पे जाना है यहाँ। अरे भाई संभल के यार, मतलब बात है यार, आगे पीछे कुछ देखता ही नहीं है मेरा मन। चलो ठीक है, इस मिशन पे आ चुकी, यहाँ पे फिलहाल क्या करना है हमें, व्हीकल स्पेयर पार्ट सेट तीन, हमें व्हीकल स्पेयर पार्ट ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं पहले तो कहाँ पे पड़े हैं, क्योंकि एक तो भाई यहाँ पे पड़ा ही, यहाँ भी एक यहाँ पे, मतलब हद है यार, इतने दूर दूर पे व्हीकल स्पेयर पार्ट बताओ बिखरे पड़े हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे करना का भाई, दूसरी गाड़ी वहां से फिल करके ले आएगी, लेकिन जो यहाँ पे व्हीकल स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है इसको हम ला करके डिलीवर कर देंगे पहले तो। चलो यहाँ पे आते हैं, कहाँ से जाना है भाई, फिर से जाना। चलो गाड़ी को पीछे करते हैं, जल्दी से भी निकलते हैं। अरे संभल के यार, छोटी सी नाव पड़ी है यहाँ पे। ओके चलो अच्छा इधर से जाना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक्चुअल में एक ही व्हीकल स्पेयर पार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको उठाना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा यहाँ से। वो देखो भाई गिर गया भाई, इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, चेयर उठाते हैं इसको। ये रहा भाई, आजा चलो, ये देख लीजिए भाई काफी नीचे पड़ा हुआ है, पहाड़ों के अंदर पूरा का पूरा भाई पड़ा हुआ है व्हीकल स्पेयर पार्ट हमारा, इसी को भाई उठा करके लेकर के जाना है। चलो भाई आ जाओ जल्दी से ऊपर, मतलब इतने गहरे नाले में पड़ा है कि क्या बताएं। चलो भाई इसको यहाँ पर तो खींच लाए बस, अब इसको हम ताकि इसी पे लोडिंग कर देंगे गाड़ी को। चलो ठीक है, चलो भाई पैक हो जाओ जल्दी से, गाड़ी को यहीं से पीछे कर लेंगे। चलो यहाँ पे फिलहाल हम एक जो है व्हीकल स्पेयर पार्ट आ चुके हैं, जाना है इसे, बाकी के लिए हम क्या करेंगे गाड़ी को जल्दी से बिल्ड करके ले आएंगे, चाहे तो बिल्ड करके ले आए या फिर चाहे तो इसी वाले से उठाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे कहाँ पे जाना है, अरे यहाँ पे, ओके अच्छा चढ़ेगी नहीं इसमें, नहीं चढ़ेगी बढ़ेगी, उसको मैनुअली लोडिंग करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैनुअल लोडिंग कर देंगे, इसको मैनुअल लोडिंग कर दूंगी, यहीं पे रखेंगे उसके बाद ही। चलो वो जल्दी से इसको हम उठाते हैं, और अरे यार पहले इधर तो आ जाओ। चलो यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक कार्गो आ चुका है, इसको सिंपली से हम अनलोड कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्रेन को रिस्टोर कर लेंगे, देखते हैं ज्यादा दूर तो नहीं, ज्यादा दूर तो ऐसे नहीं है यहाँ से, लेकिन अगर ये गाड़ी वहाँ से बिल्ड होकर आ जाएगी तो और अच्छी बात रहेगी, कि इतनी गाड़ी एक्चुअली जहाँ पर दिल्ली में रुकी है। ये वाला
वाली गाड़ी अगर तू लेकर चले आए तो क्या कोई दिक्कत नहीं क्या भाई? लेकिन काफी बड़ी गाड़ी है, तो ऐसी बात नहीं है, काफी बड़ी गाड़ी है। चलो इसको क्या करेंगे, थोड़ा एक साइड में खड़ी कर देंगे और दूसरी वाली गाड़ी जो है भीड़ करके लेकर के आते हैं। चलो दूसरी गाड़ी को बिल्ड करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। टायर जो है थोड़ा वही लगाएंगे, गाड़ी देख लीजिए हमारी रेडी हो चुकी चलने के लिए यहाँ से। तो चलो भाई, तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा आगे ही जाना है और वहीं पे तो हमें सर्विस स्पेयर पार्ट लेकर के जाना है, तो वहीं पे अनलोड कर देंगे। कीचड़ है यहाँ पे, चाहे कितना गाड़ी स्पीड में लेकर के आओ, गाड़ी भाई तो तुरंत यहाँ पे राउंड ही लेकर से। चलो ओके, नहीं आगे जब चलेंगे वहीं पे हमें क्या होगा, वहीं पे सर्विस स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, यही पे पता नहीं। देखो आगे तो हीरो जो है दिख रहे हैं, कहाँ पे इधर एक भाई संभल के यार, बच गए अब उलट जाते। चलो ठीक है, एक हमें यहाँ पे मिल गया है। चलो चलो एक हमें यहाँ पे मिल गया है, इसको हम पहले तो उठा के पैक करते हैं। आ जाते हैं भी घूम रहे हैं यहाँ पे, सच भी बहुत ज्यादा रखवाली करते हैं यहाँ पे, छोटी सी झोपड़ी की। यार डिजास्टर देखो भाई, हर एक डिजास्टर तो भयंकर तरीके से यहाँ पे आई है, ऐसा डिजास्टर लग रहा है, खतरनाक वाला डिजास्टर यहाँ पे लग रहा है ऐसा आया है। चलो इसको पैक करते हैं, चलो जल्दी से इसके पहला काम पैक करते हैं, फिर निकलते हैं। दूसरा वाला कहाँ पे आगे होना चाहिए, चलो देखते हैं आगे। कहाँ पे भाई दूसरा वाला, मतलब ज्यादा यहाँ पे डिजास्टर होने की वजह से पूरी गाड़ी ही बैठ जाती है। चलो सस्पेंशन थोड़ा ऊपर कर ले, क्या बात है। सस्पेंशन अगर जो हमारी गाड़ी का ऊपर रहेगा तो फंसेगी नहीं, चाहे जैसे भी गाड़ी देखो निकालते चले जाएंगे सच में। ऊपर लगने का ये प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ अभी तो हमें दूसरा वाला सर्विस स्पेयर पार्ट भी लेना है, नहीं कोई कल स्पेयर पार्ट था। चलो जो भी है इसको पहले लेंगे, इसके बाद ही निकलेंगे। कहाँ पे है वो, जागे चलो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में इतना खतरनाक वाला डिजास्टर आया है कि देखो मतलब गाड़ी भी नहीं चल पा रही सच में, इतना ज्यादा कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़ है भाई। भीड़ वगैरह है यहाँ पे, कीचड़ बहुत ज्यादा है यहाँ,
चर्च वगैरह बना हुआ है। चलो कहाँ पे जाना है यार, देख लेते एक बार कहाँ पे पड़ा हुआ। चलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, चलो वही चलते जाना है अभी सीधा। बिल्कुल अभी तो यहीं से सीधा ही जाना है, क्योंकि वो देखो वहां पे पड़ा हुआ है, उसको जल्दी से उठा के पैक करेंगे। चलो पहली बात तो इतना ज्यादा पानी है यहाँ पे कि और भाई निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम बताइए इतना सस्पेंशन उठाने के बाद भी गाड़ी पूरी की पूरी डूब जाती है पानी में। ओके चलो ठीक है, अब तो यहाँ पे आ चुके हैं, जल्दी से इसको हम पैक करते पहले। ओके आ जाओ भाई तुम भी। चलो चलो ठीक है आ जाओ। चलिए अब इसको जल्दी से पहले तो पैक कर ले। चलो दोनों हमारे पैक हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ से निकलना है। सही बात है, चलो भाई गाड़ी को घुमा के निकलते हैं यहाँ से। चलो हाँ बस वही जाना है, ऊपर ही जाना है, वहीं पे डिलीवर करना है इसको। वैसे अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा अरे ये क्या हो रहा है यार, हाँ यहाँ से कोई है रास्ता क्या सीधा? यहाँ से पेड़ बहुत ज्यादा है, और कोई बात नहीं, रास्ता तो है लेकिन पेड़ बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, घूम के निकल लेंगे। बिल्कुल अच्छा यहाँ से जा सकते हैं, चलो मिल गया, कोई बात नहीं, यहीं से निकल लेंगे। इधर ही से चलेंगे, सामने रास्ता एक छोटा सा दिखा हुआ है, बस वहीं से निकलते हैं चुपचाप किनारे। मतलब झोपड़ी में बेचारे कुत्ते बहुत पाल के रखे हैं यार यहाँ, सच में ओ माय गॉड पेड़ है क्या रहा, अभी भी कुछ ऐसे ही लग रहा है पेड़ है ना भाई। हाँ यार पेड़ या पत्थर है पता नहीं, जो भी है निकलने नहीं दे रहा है सच। यार कहाँ से निकले, इसे इधर से निकले। चलो कोई बात नहीं इधर से निकलते हैं। ओके चलो चलो गाड़ी के अंदर आ जाती तो कम से कम दिखेगा साफ साफ। हाँ चलो चलो अच्छा कहाँ पे फंसा गया, यार कहाँ फंस रहा है, पेड़ कुछ फंस रहा है हमें लग रहा है। चलो मतलब पेड़ की इतनी ज्यादा पत्तियां हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी फंस रही है यार। कोई तो मिले डंका खींचने वाला, मतलब हाँ चलो ठीक है क्या बात है। ओके चलो बस यहीं से वो देखो कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। चलो भाई उधर कहाँ जा रहे हो, इधर ही घूम के निकलते। बिल्कुल थोड़ा सा गाड़ी को पीछे करेगी क्योंकि बहुत एकदम से तो चढ़ाई है यहाँ पे। ओ चलो चलो भाई क्या बात है, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ भी पहिए बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे हैं यार, यहाँ तो नहीं स्लिप करना चाहिए फिर भी, चलो कोई बात नहीं स्लिप कर ले दो। अरे यार और कहीं पेड़ ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, चलो मिल जाएगा। ओके चलो भाई चलो 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 यहाँ पे देखो भाई हमारी एक गाड़ी पहले से खड़ी है। चलो आ गए हैं यहाँ पे। ओके ये शो कार्गो मटेरियल ऐसे नहीं शो करेगा, पहले तो हमें इसको अनलोड करना पड़ेगा उसके बाद ही शो करेगा।
जाओ जल्दी से। बिल्कुल, अब इसको हम यहाँ पे अनलोड कर देंगे। हो जा भाई, चलो ये किसी को भी अनलोड कर देंगे। चलो जैसे ही यहाँ पे अनलोड करेंगे, फाइनली हमारा जो ये मिशन है वो कम्प्लीट। चलो भाई तुम भी आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे देख लीजिए, फाइनली हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमने व्हीकल स्पेयर पार्ट को डिलीवर कर दिया है। चलिए जल्दी से उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और क्रेन को रिस्टोर कर देंगे, गाड़ी को बंद कर देंगे, फिर देखते हैं कौन सा मिशन हमारे पास आया है। भाई बाकी की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ हमारा क्वेरी का जो एक मिशन है वो खाली यहाँ पे बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक जनरेटर वाला एरिया यहाँ पे मांग रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक जनरेटर जो है लेकर के आना पड़ेगा भाई। जनरेटर से ही यहाँ पे हम कार्गो को, बिल्कुल जनरेटर तो भाई एक लाना पड़ेगा, लेकिन हाँ भाई जनरेटर लाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें गाड़ी यहाँ पे लेकर के आनी पड़ेगी। तो चलो फिर एक गाड़ी को पहले लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके चलो भाई जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी तो हमने स्टार्ट कर लिया है, बस अब सीधा निकलना है। चलो लेकिन जाना कहाँ पे है भाई, ये भी तो देख ले, रास्ते वगैरह तो मार्क कर ले, दिक्कत ना हो निकल ले, है ना। जाना तो भाई काफी दूर है यहाँ से, ग्राइंड वुड रिवर अगर हम जाते हैं तो वहां से भी काफी दूर घूम के जाना पड़ेगा। चलो एक बार मैप देख लेते हैं यहाँ से, अगर जो हम कहाँ पे जाते हैं भाई, दूसरे का तो पता ही नहीं कहाँ पे वो निकलेगा। ये भी हो सकता है यहाँ पे निकले यहाँ से, ओह माय गॉड, यहाँ से तो पता ही नहीं दूसरा हमारा लोकेशन ही कहाँ पे है। तो चलो फिर यहीं से पहले तो गाड़ी को हम लेकर के चलते हैं यहीं से, रास्ते तो बहुत है वैसे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज करने के लिए। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ से नीचे उधर भी चलते हैं। चलो भाई, अरे भाई संभल के। अच्छा मतलब नीचे उतरने के लिए कहा पूरी गाड़ी पलट गई। मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है यार, पेड़ बहुत ज्यादा है लेकिन कोई अटैच ही नहीं। चलो इधर ही खींचो, नहीं सीधा होना है तो चलो वही इधर ही खींच लेते। ओके चलो तो हो जाएगी ना, भी नहीं ओके चलो बच गए। चलो ठीक है, लेकिन गाड़ी में कीचड़ बहुत ज्यादा लग गया है, पूरी की पूरी गाड़ी एक्चुअल में पलट गई थी, तो कीचड़ तो लगेगा भाई सच में। चलो तो चलिए फिलहाल थोड़ा यहाँ से 20 मिनट से बढ़ के निकलेंगे और पहुंचेंगे अपने मंजिल पे हम।
ओके चलो भाई, एक हमारे भाई साहब जुड़े थे, गोल्डी डेमन भाई, और पता नहीं भाई जुड़े हैं। चलो भाई अच्छी बात है, जुड़े अगर जो मोटोर सुन पा रहे हैं हमारे, अगर जो आवाज़, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनको हमारी स्ट्रीम पे विजिट करने के लिए, आने के लिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के गेम प्ले की ओर। यहाँ से भाई गाड़ी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे क्वेरी आना पड़ेगा पहली बात तो, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे हमें क्या करना होगा। क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे पहली बात तो मिशन हमारा एक्सेप्ट ही नहीं होगा, और वहाँ पे हमें एक्चुअल में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेरी का मिशन एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे एक हमें जनरेटर डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जनरेटर वाला एरिया दिया हुआ है यहाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए जनरेटर वाला एरिया। तो जब जनरेटर यहाँ पे हम लेकर के आएंगे तो यहीं से हम कार्गो को भी जनरेट कर पाएंगे। अब जनरेटर सिंपल से क्यों लेके आना, क्योंकि भाई जब तक पावर सप्लाई नहीं होगी तब तक कार्गो हम बना कहाँ से पाएंगे भाई, फैक्ट्री तो यहीं पे है ना। चलो फिर निकलते हैं जल्दी से। गाड़ी कहाँ पे खड़ी, यहाँ पे खड़ी है। तो चलो पहले तो थोड़ा बहुत यहाँ से लोकेशन को मार्क कर लेंगे ताकि आराम से निकलते हुए चले आए बिना इधर उधर भटके, क्योंकि जंगल बहुत घना है, तो इधर उधर भटके इससे बेटर है आराम से यहाँ से निकलते हुए हम आ सके। चलो यहाँ से देखेंगे, मे भी हो सकता सीधा रास्ता आ पाएंगे तो और भी अच्छी बात है। चलो फिर निकलते हैं जल्दी से, क्या बात है। ओके कीचड़ तो है ही यहाँ पे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा भर भर के है, पहिए तो स्लिप करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बहुत ही संभल के चलना। देखो बहुत ज्यादा भाई पहिए स्लिप कर रहे हैं सच में। पहली बात तो जंगलों में चल रहे हैं यार, इतने घने घने जंगलों में, ये देखो। चलो अच्छा, यहाँ पे कुछ कार्गो है क्या यार, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। कार्गो तो दिख रहा है, अच्छा फ्यूल मिलेगा, मे भी हो सकता है फ्यूल की जरूरत हो, पता नहीं यार, अब वो तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे फ्यूल की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ डिलीवर करना पड़ेगा, वैसे तो पता नहीं है भाई। चलो फिर दौड़ लगा के निकलते हैं जल्दी से, अरे संभल के भाई। हाँ चलो ड्राइवर साहब भी हमारे जंप कराने में बहुत माहिर हैं। चलो ठीक है, क्या बात है, अब समझ लीजिए इतने भयंकर वाले पहाड़ों के बीच गाड़ी को लेकर के चल रहे हैं। ओके चलो, अरे भाई गजब है यार, इतना भयंकर रास्ता यहाँ का। अरे हाँ चलो ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा से वो चलना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ से चाहे तो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ गाड़ी बहुत स्लिप करेगी, इसलिए खेतों के बीच में होते होते हुए तो जाएंगे नहीं। ओके एक हमारे भाई साहब जुड़ चुके हैं, कौन है भाई, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, डेनो भाई साहब, और बताइए भाई साहब क्या हाल चाल है। तो फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेनो भाई साहब। अच्छा कुछ पूछ रहे हैं क्या, स्नो रनर में कंट्रोलर वर्क नहीं कर रहा। अच्छा भाई, यानी कि हमारे भाई पूछ रहे हैं स्नो रनर में कंट्रोलर वर्क जो है नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल भाई, हो सकता है कुछ आप कंट्रोल वगैरह सेट ना कर पाए हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, उसमें एक रीसेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ से काम तो कर सकते हैं। तो मे बी जो इंस्टॉलेशन के समय जैसा उसकी सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा, आपका कंट्रोलर मे बी वर्क करने लग सकता है, लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट में रखना है अपने हाथ से, उसमें कोई सेटिंग से छेड़खानी नहीं करनी है, खास करके इसके कंट्रोलर से, क्योंकि भाई ये कंट्रोलर नहीं है, बहुत सारे कंट्रोलर इसमें होते हैं। तो मे बी आप जितना अगर जो छेड़खानी नहीं करेंगे तो आपका गेम उतना अच्छा चलेगा, लेकिन कंट्रोलर से भाई अगर जो छेड़खानी करेंगे तो दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी आप उसको डिफ़ॉल्ट करके आप उसको सेट कर सकते हैं और आपका पहले जैसा कंट्रोलर चलने लगेगा बिल्कुल। तो चलो भाई, और अगर जो भाई किसी को पूछना हो गेमिंग से संबंधित, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं लाइव सेशन में, आप जैसे ही पूछेंगे तुरंत हम आपको उसका आंसर करेंगे, बाद में चाहे तो आप कमेंट वमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो फिलहाल यहाँ तक आ चुके हैं, देखते हैं भाई कहाँ पर आए हैं फिलहाल। यहाँ तक तो आए हैं और यहीं से हमें क्वेरी जाने का भी रास्ता मिलेगा। कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है, ओके तो चलो फिलहाल यहीं से निकलते हैं थोड़ा घूम के, और पहले तो यहाँ पे ग्राइंड वुड रिवर्ड में जो है वहाँ पे थोड़ा चले जाएंगे देख लेंगे, और उसके बाद फिर बढ़ेगी अपने क्वेरी की तरफ। चलो ठीक है यार, पत्थर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है ना, तो गाड़ी भी स्लिप कर रही है। अच्छा तो भाई हमारे पूछ रहे हैं टेन टॉप भाई, क्या बोल पूछ रहे हैं भाई, टेन ऑफ
अच्छा गेम में होगा ऑप्शन, बिल्कुल भाई गेम में होगा। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आप वहीं पे कंट्रोलर में चले जाइएगा। सेटिंग में पहला काम तो आप सेटिंग में जाइए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, अगर जो आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं, चलिए हम आपको सिंपल से दिखा ही देते हैं पूरा प्रोसेस लाइव। वो भी सिंपल से आपको क्या करना है, अगर जो आप गेम प्ले चला रहे हैं, सेटिंग में जाइए, कंट्रोलर में जाइए, यहाँ पे देख लीजिए आपको सारे कंट्रोलर यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर जो स्टेयरिंग व्हील अगर जो आप चलाते हैं स्टेयरिंग वगैरह, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल से आप यहाँ पे देख लीजिए दिख रहा होगा, अगर जो रिस्टोर डिफॉल्ट, अगर जो आप स्टेयरिंग व्हील चलाते हैं तो यहाँ से आप रिस्टोर डिफॉल्ट करके आप वो अपना कंट्रोलर सही कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप कंट्रोलर से सही करना चाहते हैं, यहाँ से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ ही नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे देख लीजिए रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल ये आपका कंट्रोलर हो गया। फिर कंट्रोल्स की बात अगर जो करें हम, तो ये तीनों आपको रीसेट भाई करना पड़ेगा, सच में रीसेट ही करना पड़ेगा आपको, और कोई छेड़खानी इसमें नहीं करना है आपको। आप सिर्फ सिंपल से कंट्रोल पे आ जाइए, यहाँ पे आप रिस्टोर डिफॉल्ट कर दीजिए, आपका सिंपल से गेम आपका स्मूथ चलने लगेगा पहले जैसे। चलो भाई हमने लाइक तो बता दिया, फिर आप मैं भी समझ अब मैं आ गया हो भाई तो बिल्कुल बता दीजिए। तो चलो फिर यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे। अरे यार गाड़ी तो हाई गियर में है, चलो कोई बात नहीं, यहीं से हाँ ऊपर निकलेंगे, उसके बाद सामने एक्चुअल में दूसरे टाइम में जाने का रास्ता भी है। बिल्कुल वहाँ पे हाँ बिल्कुल वहीं से एक बार इंटरहोविल पूल जाएंगे, ग्रैंड ग्रैंडवुड रिवर में जो भी है ज्यादा सही रहेगा। ओके फाइनली हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, कौन है भाई देख लेते एक बार। ओके ओके अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा बिग फैन ब्रो प्लीज स्पीक माय नेम। अच्छा अनिरुद्ध, ओके हेलो अनिरुद्ध भाई, क्या हाल चाल है और बताइए सब ठीक ठाक है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्ट्रीम पे आने के लिए, विजिट करने के लिए, साथ ही साथ हमसे चैट में बात करने के लिए। बाकी तो आपको टाइमिंग का पता ही है भाई, 3:30 से 8:30 हमारा बराबर लाइव सेशन चलता रहता है। लाइव सेशन में आप बिल्कुल हमसे आप चैट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, गेमिंग से संबंधित पीसी से संबंधित कुछ भी पूछना हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, आंसर आपको हम डिफिनेटली करेंगे। और बिल्कुल भाई चलो भाई बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे हमसे बात बात करके अच्छा लगा भाई, मिस्टर अभिनव भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली से हम स्विच हो रहे हैं ग्राइंड वुड्स रिवर में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई देखते हैं, लोकेशन हालांकि सारी तो नहीं एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन कुछ लोकेशन यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारी गाड़ी निकल के आती है फिलहाल के लिए। यहाँ पे देख लीजिए हमारी गाड़ी निकल के आ चुकी है। चलो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, लोकेशन थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, हम मैप में ओपन किए तो ये देख लो भाई यहाँ पे हमारी लोकेशन है, और यहाँ पे एक वॉच टावर है, इसको हालांकि एक्सप्लोर करना पड़ेगा लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पहले हम पिछले वाले डैम के जो मिशंस है उनको पहला काम कंप्लीट करेंगे। बाकी की अगर जो बात करें तो जब इस वाले डैम में इंटर करेंगे तो इसमें भी भाई बहुत सारे हमें साइड मिशंस मिलने वाले हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो पिछला वाला डैम है उसमें भाई बहुत सारे साइड मिशंस अभी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट। तो चलिए फिर जल्दी से अपने वापस चलते हैं अपने वाले टाइम में। चलो भाई बाइक गियर पे गाड़ी लगाते हैं, पहुंचते हैं जल्दी से अपने टाइम में। चलो ठीक है ओके। तो और बताइए मिस्टर अनिरुद्ध भाई साहब क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है। ओके यहाँ पे देख लीजिए फिलहाल क्वेरी है और यहीं पे हमें आना है। तो कहाँ पे है गाड़ी, कहाँ पे है, ओके यहाँ पे है गाड़ी हमारी। तो क्या करेंगे सिंपल से यहाँ से भाई लंबी जंप लगाने वाले सच में, और वो भी हाई गियर में। ओके क्या बात है, चलो अरे यार जंप लगाने से पहले एक बार ये भी तो देख ले कि हाँ क्या कहते हैं उसको भाई, मिशंस कहाँ पे हमारा। ओह माय गॉड भाई मिशंस तो हमारा अच्छा नीचे भी है ऊपर भी है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, चलो यहीं से मिशंस एक पहले तो यहाँ पे चल के हम एक्टिवेट इसको कर लेते हैं, देखते हैं इस वाले मिशंस में हमें करना क्या है। चलो गाड़ी को थोड़ा सा पीछे कर लिए, जाना कहाँ है भाई, उस पार जाना है ना। हाँ बिल्कुल भाई, तो इतने गहरे गड्ढे में है भाई मिशंस की कहाँ बताएं, बहुत गहरे गड्ढे में, देखो मतलब ऐसा लग रहा बहुत नए जमाने की खदान टाइप कुछ चल रही है यहाँ पे सच में। चलो ठीक है जो भी है, यहाँ पे फिलहाल एक झोपड़ी पे आ चुके हैं, झोपड़ी का यार अच्छा खासा घर बना हुआ है यहाँ पे, बढ़िया सा।
चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं यार फिर क्या करना है। मतलब यार ये हर बंदे ने बांध के रखे हैं, आज कहीं भी खड़े हो जाओ भौंकने लगते हैं, सच में। ओके अच्छा यहाँ पे क्या करना है, कुछ गाड़ी वगैरह पड़ी है क्या यार, ऐसा लगा। ओ माय गॉड ये देखो भाई गाड़ी पड़ी, इसको क्या करना है, इसको उठा के लाना, यही पे डिलीवर करना। अच्छा तो क्या यहीं से गाड़ी, तो यार यहाँ पे दिख नहीं रही, इसको घुमा के लाना पड़ेगा, काफी दूर से घुमा के लाना पड़ेगा। चलो भाई साहब ने गुस्से में हमें लगता है घर में लड़ाई बड़ाई की है, उठा के गाड़ी पूरा का पूरा मतलब इतने बड़े खदान में ही कुदा दिए, सच में इसीलिए तो पड़ी है, बताओ वो काम हमें मिल रहा है वहां से उठा के लाने को। चलो भाई भैया की गाड़ी ला के पहला काम तो उनको जल्दी से डिलीवर करके दे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मजा आ गया भाई, इतनी भयंकर जंपिंग करा दी हमने। अच्छा अब इसको सीधी कैसे करेंगे भाई, कहीं ना कहीं से तो देखना पड़ेगा ना, गाड़ी तो उलट गई है। अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है, अच्छा ओ माय गॉड कुछ मिल ही नहीं रहा, इधर से तो कुछ नहीं मिल रहा, जो कुछ मिल रहा है इधर इसे मिल रहा है, तो क्या करेंगे। चलो फिर इसे सीधी कर लेंगे, ये क्या। अच्छा चलो मतलब यहाँ पे पेड़ एक्चुअल में है नहीं तो गाड़ी सीधी नहीं होती, सच में। अरे मतलब आता है यार सीधे, ये क्या हो गया इतना छोटा पेड़, बताओ इतनी बड़ी गाड़ी खींच के ले आया, सच में वाह भाई क्या कमाल है। ओके अच्छा भाई गॉड भाई यहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं नजर आ रहा। अच्छा ये भी आ रहा, छोटे से छोटे छोटे पेड़ है ना, ये दिक्कत कर। चलो चलो ठीक है, अरे भाई संभल के यार, हमें याद है यार इतना ज्यादा, तुरंत गाड़ी उलट जाती है। ओके सीधी कैसे करें भाई, पेड़ पे दिख नहीं रहा है। चलो छोटे छोटे जो पेड़ है वो भाई खींचते चले आते हैं, सच में। हाँ चलो अभी एक मिल गया है, अरे सीधे हो जा भाई, ऐसा लगता है यार कभी कभी इतनी जंप हमें बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है। ओह माय गॉड, अच्छा भाई और थोड़ा, अरे हो जाओ ना। अच्छा गाड़ी भी हमारी बहुत खराब चीजें पलटती है यार, असल में यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं है ना, पेड़ होती गाड़ी तुरंत हमारी सीधी हो जाती है, जो है भी पेड़ बहुत दूर है। अच्छा छोटे छोटे पहली बार तो खास टाइप पेड़ है यहाँ पे, चलो यार अब जंप नहीं करेंगे नहीं तो सीधे करने में बहुत दिक्कत आती है। गाड़ी का सरेंसर वगैरह भी यार काफी टूट गया, गाड़ी पूरी की पूरी कीचड़ में जो है पूरी की पूरी हो गई, इंजन खत्म। हाँ भाई बिल्कुल, हमें भी कुछ ऐसे लग रहा है अनुरुद्ध भाई, इंजन खत्म ही लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं, खत्म तो इतनी जल्दी तो भाई नहीं होने देंगे इंजन को, अभी अभी तो बहुत ज्यादा काम करना है, खत्म ही कर देंगे तो भाई डिलीवरी फिर कैसे करेंगे, लेकिन हाँ लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है। चलो भाई सीधे हो जाओ। ओके ये देखो भाई स्टार्ट हो गई गाड़ी, सीधे हो जाए यार। ओ अच्छा, अरे भाई उलट मत जाना यार, ये देखो मतलब एक तरफ यार सीधा करो एक तरफ गाड़ी उलट जाती, तो वो क्या करें, चलो कहीं ना कहीं से तो सीधा होना पड़ेगा ना। चलो चलो जल्दी से सीधा हो जाओ यार, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके चलो ठीक है भाई, दिक्कत हो गई यार काफी ज्यादा सीधी करने में, एक्चुअल में इतने गहरे खदान में पहली बार तो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, और यहाँ पे खास बात तो कोई यार पेड़ भी नहीं है, तो दिक्कत तो होगी ना। तो
चलो कोई बात नहीं, सीधी हो गई गाड़ी, अब भाई जंप नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा जंप कर दिए। चलो जल्दी से उस वाली गाड़ी को उठा के लाते हैं और उसको डिलीवर करते हैं उस वाली छोटी सी झोपड़ी। बिल्कुल, तो चलो बिल्कुल अनुरोध। अरे यार भला बात है, थोड़ा सा झटका लगा नहीं कि बताओ फिर से पलट गई गाड़ी। अब कहाँ से सीधी करें यार। अच्छा चलो, अच्छा चलो ऐसे ही सीधी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं से तो होना ही पड़ेगा ना। अरे उधर से उठे इधर पलट गए। अब तो भाई ये तो क्लियर है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा सच में। चलो और कुछ, चलो पेड़ यहाँ पे बड़े बड़े हैं नहीं। चलो तो क्या करेंगे, यहीं से सीधा हम बाइक गियर में गाड़ी लेकर के चलेंगे। चलो भाई नीचे उतरते हैं सीधा। चलो 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 कोई बात नहीं, पत्थरों की तो पूरी बारिश हो रही सच। ओके यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो देखो भाई गाड़ी खड़ी है यहाँ। चलो और इसको तो हालांकि डिलीवर करना है, तो पहला काम चलो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें लोडिंग करना पड़ेगा गाड़ी। चलो फिर इसको लोडिंग करते हैं। यार ये लोडिंग तो नहीं हो पाएगी ना। हाँ यार काफी बड़ी गाड़ी है, तो क्या करें इसको, फिर क्या करें इसको खींच के ले जाना पड़ेगा। कहाँ से ले जाए भाई, अच्छा इधर ही से ले जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही लग रहा है, या फिर यहाँ से है ना, काफी ज्यादा घूम के आना पड़ेगा। नहीं यहाँ से एक्चुअल में ऊपर चढ़ाई करने का कोई रास्ता ही नहीं है वहां पे, हमें क्या करना होगा, यहाँ से घूमते घामते हुए आना पड़ेगा यहाँ से, है ना। बिल्कुल चलो फिर बढ़ते हैं आगे, इस वाली गाड़ी को खींचते हुए लेकर के। चलो भाई आ जाओ, चलो अरे भाई संभल के, चलो इसको स्टार्ट तो कर ले, हो जा क्या बात है। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, भाई ने मतलब पूरा सब सिस्टम रख के गाड़ी में तब जंप लगाई थी, मतलब पूरा विचार बना के आया था हमारा भाई कि यार चलो अब पूरा गाड़ी सुधा खत्म कर देंगे, लेकिन चलो पता नहीं क्या समझौता कर लिए, अब बताओ दोबारा से गाड़ी मांग ली, क्या बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, भाई को गाड़ी दे देंगे हम, डिलीवर कर देंगे, संभल के भाई। चलो ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे पत्थर है तो गाड़ी जो है स्लिप करने की भी चांस बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड, चलो 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 चलो, क्या बात है। और थोड़ा अच्छा, चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं, अब हम ऊपर कैसे जाए भाई, ऊपर कहाँ से जाए, यहाँ से तो दिक्कत हो जाएगी, निकल जाएंगे। चलो देखते हैं, निकल जाना चाहिए वैसे यहाँ से। चलो पीछे वाला ट्रक भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं, वो भी मतलब अपनी ताकत वो भी लगा रहा है, ऐसी बात नहीं। और थोड़ा अरे दे 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 दे, चलो 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 चलो, क्या बात है। ओके चलो भाई, मतलब पीछे वाला ट्रक भी धक्का दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा चलो चलो चलो, क्या बात है। और वाह भाई वाह, जा आ गया भाई सच, यार पीछे वाला ट्रक धक्का ना देता तो हम नहीं निकल पाते। अच्छा चलो जंगल से मंगल करते हुए निकलेंगे यहीं से, बिल्कुल चलो। हाँ जंगल के अंदर ही होते हुए तो जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है। यार लिप्टिस के पेड़ लगे हैं का यार, कुछ ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं काहे के पेड़ है यार, बहुत घने घने लगाए गए, निकलेंगे कैसे हम यहाँ से, है ना भाई, दिक्कत काफी ज्यादा है यहाँ पे, है ना। अच्छा चलो भाई पहाड़ों पर से निकलते हैं,
ठीक है ओके। इतनी दूर तो चलना ही कठिन है, पूरी गाड़ी लटक गई है सच में। चल अरे यार संभल के, अब क्या करें, करना था भाई इससे पहले इतनी गाड़ी को निकाले यहाँ से। अरे संभल के भाई संभल के, ओह माय गॉड, अरे भाई याद है यार कहाँ फंसा दिए गाड़ी, वो तो पूरा पेड़ ही यार टूट गया। अच्छा मतलब सामने वाला पेड़ ही टूट गया। अच्छा तो मिस्टर अनिरुद्ध भाई पूछ रहे गेम को फोन में खेल सकते हैं क्या, तो भाई ये वाला तो नहीं खेल सकते। ओ माय गॉड भाई गजब हो गया यार, गाड़ी देखो भाई कहां से कहां गिर गई। ये वाला तो भाई नहीं खेल सकते हो आप फोन में स्नो रनर, बाकी का इसी टाइप के अगर जो आप खेलना चाहें तो बहुत सारे गेम है वो आप खेल सकते हैं, लेकिन ये भाई पीसी का स्पेशल गेम है क्योंकि इसमें बहुत एक अलग लेवल का ही इसमें ग्राफिक जो है यूज किया गया है। तो वो सिंपल से भाई पहले तो बिना ग्राफिक कार्ड के चलेगा ही नहीं, तो इसके लिए भाई पीसी तो मस्ट है भाई, कि बिना पीसी के आप ये वाला गेम तो नहीं चला सकते। बाकी का फ्यूचर इन फ्यूचर तो बात नहीं करते, मे भी हो सकता है कुछ मे भी हो सकता है आ जाए गेम अलग की बात है। चलो ओके चलो भाई यहाँ तक फिलहाल खींच कर गाड़ी को लेकर आ चुके हैं, अब हमने इस वाली गाड़ी को लाना है। चलो ये कहाँ आ रहा है भाई, ये तो कुछ और ही आ रहा है। चलो मतलब यार इससे बेटर था हम घूम के चले आते तो ज्यादा सही रहता सच में, काफी ज्यादा दिक्कत है यार इधर। बताइए वो वाली गाड़ी हम कैसे निकालें, तो वो वाली गाड़ी निकालने में तो और दिक्कत हो जाएगी हमें। ओके चलो फिर प्रयास तो करते खींचने का। यार तो खुद खींचते जा रहे हैं, कहाँ पे फंसी है गाड़ी। अरे अरे भाई अरे अब तो मतलब क्या बताएं, इसको खींचने जाओ कौन सी गाड़ी निकलती है। चलो भाई आ जाओ तुम इधर, चलो चलो इसको अपनी वाली गाड़ी हम पहले तो सीधी कर लें। चलो अब इस वाली गाड़ी को खींचते हैं, आ जाओ भाई कहाँ पे जहाँ, चलो आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब बहुत ही यार अजीब तरीके से गाड़ी फंसी है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब तरीके से गाड़ी फंसी है। निकालना तो पड़ेगा यहाँ। अच्छा तो भाई हमारे पूछ रहे हैं लैपटॉप पे, हाँ भाई बिल्कुल लैपटॉप पे तो चल जाएगा, लेकिन लैपटॉप पे भाई कम से कम तो 4 GB रैम तो होनी चाहिए। बिल्कुल अनुरोध भाई, 4 GB अगर जो रैम नहीं होगी तो गेम आपका बहुत ही ज्यादा लैग करेगा, फिर चल नहीं पाएगा सच। हाँ लैपटॉप लेकिन चल जाएगा गेम, ये तो है ऐसे मान के चलिए, चलो वो हो सकता ना चले, लेकिन लैपटॉप पे आपका चल जाएगा, मोबाइल की तो बात नहीं कर रहे। चलो आ जाओ चलो 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 भाई यहाँ लोग कहाँ से गाड़ी खींच कर लेकर के आ रहे। चलो और थोड़ा
चलो पहले तो भैया अपनी गाड़ी को हम सीधी कर ले, इसके बाद निकले यहाँ से। चलो तो आ जाएगी ना। चलो चलो भाई, इस वाले मिशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई सच में, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब हद है यार, कहां से कहां एक मतलब गाड़ी क्वेरी से निकाल लेनी, इतना भयंकर हद हो गई यार सच। अरे ये कहो ये पीछे वाला ट्रक जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है, तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत वो भी धक्का मार देता है, लेकिन बताओ यार हद हो गई यार, बताओ क्वेरी से गाड़ी लाने में इतनी मेहनत यार, क्या बताएं। चलो जो भी है फिलहाल निकाल कर ले आए हैं, काफी दिक्कतें हुई लेकिन निकाल के फिलहाल ले आए हैं गाड़ी, ये पीछे गाड़ी आ रही है हमारी, वो भी हाँ बाइक गियर में ही है, कोई बात नहीं बाइक गियर में ही आएगी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई जल्दी से ये गाड़ी इन भाई साहब को सौंप देते हैं, दे देते हैं, चलो भाई ले जाओ गाड़ी, जैसे फिराने वाली गाड़ी दे देंगे वैसे मिशन जो है हमारा ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो मिस्टर अनिरुद्ध भाई साहब के पास 7 GB रैम है, चलो भाई बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत ज़्यादा बधाई सच में, 7 GB है फिर क्या पूछना भाई, बिल्कुल आप तुरंत खेलें, बिल्कुल आपका गेम जो है चलेगा 100% चलेगा गेम। और हाँ ग्राफिक कार्ड थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, वो अच्छी बात है, ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए 7 GB का, क्या ग्राफिक अच्छा रैम है या अच्छा 7 GB लैपटॉप लिखी है लेकिन रैम है या फिर ग्राफिक कार्ड, क्या चीज़ है भाई, रैम है क्या, चलो जो भी है होना चाहिए फिलहाल ग्राफिक कार्ड भाई, 4 GB ग्राफिक कार्ड कम से कम तो होना ही चाहिए, और 8 GB हाँ 4 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक कार्ड दोनों होगा तभी कोई दिक्कत नहीं। ओके यहाँ पे देख लीजिए, ओ माय गॉड भाई पहली स्टेज कंप्लीट हुई है, अब हमें क्या करना होगा, मतलब भाई की गाड़ी वहाँ से उठा के पहली बात तो लाए हैं और दूसरी बात इसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। ओके रिपेयर का मतलब तेल वेल हमसे ही लेंगे ये, समझ लीजिए, अब बताओ पहली स्टेज में बताओ इनकी गाड़ी इतने गड्ढे से उठा करके लाए हैं, और दूसरी बात अब बताओ अपना ट्रक का तेल निकाल के इनको दे, मतलब डीजल पेट्रोल अब इनको निकाल के देना पड़ेगा, बताओ ये कहाँ जाएंगे वहाँ टंकी पे तेल लेने, पेट्रोल टंकी है ना भाई, चलो कोई बात नहीं दूसरी में मजबूती भाई देना तो पड़ेगा नहीं तो सर नहीं कम्प्लीट होगा। तो चलिए गाड़ी को जल्दी से इनकी रिफ्यूल कर देते हैं, डीजल पेट्रोल जो भी इसमें पड़ता हो भर देते हैं, उसके बाद फिलहाल ये मिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या करेंगे रिफ्यूल, और ये देखो मतलब 130 लीटर में सिर्फ भाई 53 लीटर गाड़ी में तेल बचा हुआ, बाकी का तो खत्म हो गया पता ही नहीं कहाँ, चलो ठीक है। ओ माय गॉड देखो मतलब पेट्रोल डाला नहीं कि गाड़ी गायब। ओके चलो जो भी है टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जल्दी से इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और गाड़ी को फिलहाल यहीं पे बंद कर देंगे बिल्कुल। अच्छा तो अनिरुद्ध भाई साहब पूछ रहे हैं गेम नेम रैम, भाई समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ अच्छा मतलब क्या चीज 7 GB रैम है आपके पास, नहीं 7 GB रैम तो फिलहाल कोई फ्रिक्वेंसी बनती नहीं है, 4 GB एक होता है और 2 GB लगाएंगे तो 6 GB हो जाएगा, और 4+4 यानी 8 GB रैम, 7 GB रैम को समझ में नहीं आ रहा भाई, 7 GB फिलहाल तो हमने नहीं सुना, हो सकता आप 1 GB लगाएं अलग बात है, एक रैम 1 GB फिर डाल वो भी दिक्कत, चलो फिर जो भी है 5 GB ग्राफिक कार्ड, भाई 5 GB ग्राफिक कार्ड आपने कहाँ से मंगा लिया, 4 GB का आता है, 8 GB का आता है, 2 GB का आता है, 5 GB ग्राफिक कार्ड भाई नहीं होता है सच में, आपको कोई कंफ्यूजन हो रही होगी, 7 GB रैम भी नहीं होती है, रैम या फिर आपकी 2 होगी या 4 होगी या 8 होगी, क्योंकि ये भाई डुअल फ्रिक्वेंसी में चलते हैं, ये हाफ पे नहीं चलते हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, हो सकता आप ध्यान न दिए हो लेकिन आप इसी रिक्वायरमेंट पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, मे बी अगर जो आप इतना बता रहे हैं तो मे बी हो सकता है आपका 4 GB तो कम से कम ग्राफिक कार्ड होगा ही होगा, और साथ ही यही मे बी हो सकता है 4 GB रैम भी हो, बिल्कुल आपका गेम जो है रन कर जाएगा, वैसे रन करके देख लीजिएगा, लो सेटिंग पे चलाइएगा तो बिल्कुल चलेगा, अगर जो हाई सेटिंग पे आपका गेम लैग करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से लो सेटिंग पे आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।
तो चलिए फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पे हमारा मिशन जो है कम्प्लीट हो चुका है। ड्राइवर भैया भी हमारे सो चुकी है, क्या बात है ड्राइवर साहब। ओ माय गॉड, बेटे उठ जा भाई, बहुत ही जल्दी सो जाता है यार। अच्छा बेचारा नाराज हो गया यार, बताओ इतनी भरी नींद में बेचारा सो रहा था, जगा दिए हम। इतना देखो, इतना गौर से देख रहा भाई, क्या बात है। हेलो ड्राइवर साहब। अच्छा मतलब इतना गौर गौर के देख रहा है यार ड्राइवर साहब, देखो। ओके चलो ठीक है, अब क्या करेंगे। चलो देखते देखते इसमें भाई मिशन अभी हमारे कौन कौन से रह गए हैं इसमें। तो फाइनली देख लीजिए, मैप हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और बाकी की अगर जो हम बात करें मिशंस की, तो भाई ढूंढ ढूंढ के हमने सारे के सारे मिशंस जो है कवर कर लिए, कंप्लीट कर दिए। साइड मिशन की भाई बात करें, कॉन्क्रीट की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल काफी ढूंढ ढूंढ के सारे मिशंस हमने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अब बात करेंगे अपने हम दूसरे वाले डैम के, बिल्कुल दूसरे वाले डैम में वहां के जितने साइड मिशंस हैं उनको हम कवर करेंगे। यहाँ के तो फिलहाल सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और जैसे ही उस वाले डैम के सारे मिशंस हम कवर करेंगे उसके बाद ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। बाकी की आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो मिशंस शो हो रहे हैं इन वाले मिशंस से हालांकि कोई मतलब नहीं है, और बाकी के जो ये टाइमिंग वाले मिशन है इन वाले मिशन से भी कोई मतलब नहीं है। बाकी जो साइड मिशन है वो हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर जो बात करें दूसरे वाले डैम की, तो यहाँ से आप सिंपल से देख सकते हैं ग्राइंड वुड रिवर, इसमें हमें स्विच होना पड़ेगा। और कोई भी गाड़ी स्विच कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैरेज में ऑलरेडी हमारी पहले से एक गाड़ी खड़ी हुई, इसमें यहाँ से स्विच कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वाले डैम में फिलहाल हम स्विच हो चुके हैं, बाकी का हम आपको दिखाते रहेंगे। ओके अच्छा हाँ, अब भाई आप बिल्कुल सही बता रहे, 4 GB ग्राफिक कार्ड है आपका, 8 GB रैम है, हाँ ये चीज़ हम मान सकते हैं क्योंकि ये चीज़ फ्रिक्वेंसी में चलती है, बिल्कुल। अच्छा सोनी का लैपटॉप है, ओके अनिरुद्ध भाई साहब का सोनी का लैपटॉप है, बिल्कुल भाई चल जाएगा। अगर जो आपका 8 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है, तो बिल्कुल आपका चल जाएगा, बिल्कुल आप एक बार गेम को इंस्टॉल करके रन करके देख सकते हैं। बाकी का जो आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल। बस कहीं मत जाइए, थोड़ी देर के लिए बने रहिए, तुरंत आते हैं वापस।
ओके चलो भाई वापस से हम आ चुके हैं। तो अच्छा मिस्टर अनिरुद्ध भाई साहब कह रहे हैं, क्या चीज कह रहे हैं, आई वॉज कन्फ्यूज। अच्छा आप कन्फ्यूज थे, तो भाई अब तो नहीं है कन्फ्यूज, अगर जो कन्फ्यूज नहीं है तो बता दीजिए। लेकिन आप जो फिलहाल फ्रिक्वेंसी बता रहे थे वो गलत थी, फ्रिक्वेंसी जो दोबारा आपने लिख के भेजा है 4 GB और 8 GB, ये फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही है, इसी फ्रिक्वेंसी में आप बढ़ते चले जाएंगे, प्लस आपका होता चले जाएगा। लेकिन 5 GB भाई कोई रैम नहीं आती है, ना भाई कोई ग्राफिक कार्ड आता है 7-8 GB का, वो डुअल पे फ्रिक्वेंसी चलती रहती है। तो अब अगर जो आप कन्फ्यूज नहीं है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते बता सकते। चलो ड्राइवर साहब तो भैया हमारे सो गए, इनको उठाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी सो जाते हैं। चलो ठीक है उठ गए हैं फिलहाल ये, और इसमें फिलहाल देखते हैं साइड मिशंस में कौन से करने रहेंगे इसमें। चलो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हम गैरेज से पहले तो हमें गाड़ी भाई बिल्ड करनी पड़ेगी बिल्कुल, और बाकी के तो फिलहाल एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो अभी करेंगे नहीं, ये तो भाई साइड वाले मिशंस है, क्योंकि पहले तो साइड मिशंस हमें करना पड़ेगा। बाकी दो लॉग लॉग्स ये भाई कहाँ है, ये भाई पहले से कहाँ गया यार, इसको नहीं करना है, इसको सबसे बाद में करना है। वाटर फॉर लॉक्स बिल्कुल, तो अच्छा यहाँ पे हालांकि लॉक्स पड़े हैं तो यही डिलीवर करना है क्या, मे भी हो सकता है, हमें तो यही लग रहा है कि ये वाला उठा के यहीं पे डिलीवर करना है मे भी। अच्छा चलो कुछ हमें ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे देख लीजिए पड़े हुए हैं लॉग लॉग्स 2, तो भाई यहाँ पे 2 डिलीवर करने, तो एक हम कर देंगे तो एक हमें फिर लाना पड़ेगा ना, बात तो वही पड़ेगी ना। चलो पहले सिंपल वाले मिशन फटाफट निपटाते हैं, फिर उसके बाद में लॉग्स वाले करेंगे मिशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी हमारी देख लीजिए यहाँ पर भी खड़ी हुई है, ये देख लीजिए, और यहीं पे हमारा वॉच टावर है, वो तो जाके हम एक्सप्लोर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे जो ट्रक्स वगैरह फंसे पड़े हैं उनको चलो सबसे पहले निकालते हैं। तो चलिए गाड़ी को पहले बिल्ड कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं फिर। चलो और अगर जो अनिरुद्ध भाई अगर जो आप बिल्कुल मोड वगैरह यूज करना चाहें तो हमारे चैनल पे आप सर्च करके एक बार देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त आपको मोड मिल जाएंगे देखने के लिए, चाहे टायर वाले हों, विंच वाले हों, इंजन वाले हों, कुछ भी हों, मिल जाएंगे वीडियो। अगर जो आप मोड से इंस्टॉलेशन करके गेम प्ले करेंगे ना तो भाई एक अलग ही लेवल का आपको मजा मिलने वाला है, गेम खेल सके उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा बिल्कुल। चलिए फिलहाल यहाँ पे लाइट वगैरह लगा दिए, बाकी का बम्पर वगैरह लगा देते हैं, एग्जॉस्टर हमारा हो गया, तो ये फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो रेडी है। अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा देख लीजिए ट्रेलर इन द रिवर, यानी रिवर में कोई ट्रेलर हमारा पड़ा हुआ है उसको लेकर के आना है और डिलीवर करना है। चलो जल्दी से निकलते हैं, गाड़ी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है, जैसा कि आप लोग भाई देख पा रहे हैं थोड़ा स्पीड से यहाँ से भी निकलेंगे क्योंकि वहां से गाड़ी को लेकर के आना है। चलो भाई थोड़ा सा संभल के यार, यहीं से तो यार चारों तरफ तो एक्चुअल में पेड़ है, दीवारें हैं, तो उसको तो क्रॉस करके जा नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो घूम के जाना पड़ेगा ना। तो मिशंस कहाँ पे, चलो पहले तो वो देख लेते हैं, नहीं यहीं के आसपास होना चाहिए कहीं ना, वहाँ तो दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, तो यहाँ पे चलो भाई वहीं पे आते हैं, थोड़ा आगे से घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो बिल्कुल थोड़ा आगे से घूम के निकलते हैं वहीं पे, क्या बात है। चलिए अच्छा यहाँ से चढ़ाई करना है क्या, यहाँ से एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, यही यहाँ पर भी एक ट्रक जो है वो पानी में फंसा पड़ा हुआ है, उसको भी ला करके डिलीवर करना है। चलो थोड़ा घूम के निकलते हैं यहाँ से बिल्कुल, ये देख लीजिए यहाँ पे मिशंस रहा, इसको जल्दी से हम सेट करेंगे, ट्रैक करेंगे मिशंस, देखते कहाँ पे। ये देख लीजिए गाड़ी एक यहाँ पे पड़ी हुई है, ओ माय गॉड ट्रेलर है, गाड़ी तो नहीं है लेकिन ट्रेलर है, उसको ला करके यहाँ पे हमें डिलीवर करना है। तो चलो यहीं से सीधा निकलेंगे, ज़्यादा इधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई क्या बात है, अच्छा निकले कहाँ से, यहीं से निकले, चलो ठीक है। अरे यार संभल के बहुत भयंकर तरीके से, मतलब बम्पर वगैरह भाई टूटने लगते सस्पेंशन वगैरह। चलो ठीक है, यहाँ तो और घने जंगल मिलेंगे, सच थोड़े नहीं बहुत ज्यादा घने जंगल मिलेंगे, और इतने खतरनाक वह यहाँ पे नदी नाले मिलेंगे कि पूछो मत, सच में। ये देखो ओ माय गॉड,
अरे भाई डेंजर वाटर में संभल के यार, पूरी गाड़ी है डूब गई। टाटा भाई भाई खत्म नहीं होगा, निकल जाएगी भाई गाड़ी। चलो जुगाड़ से यहाँ से लोडिंग करेंगे। क्या बात है, देखो भाई कितने खतरे वाली जगह पे खड़े हैं हम। सच में पूरा पानी क्रॉस करके आए उस पार से इस पार, बिल्कुल। तो चलो फिर जल्दी से इनको लोडिंग करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कार्गो पड़े हुए हैं इनको जल्दी से लोडिंग पहले करते हैं फिर निकलते हैं। पहला तो इसको उलटना पड़ेगा भाई। चलो ओके, क्या बात है। नहीं भाई पलटेंगे नहीं तो लोडिंग कैसे करेंगे, कि वो तो भाई ट्रेलर पे पैक है, वो तो वैसे ही गिरने गिरना है उनको। बिल्कुल कार्गो के साथ में एक्चुअल में ट्रेलर हमें पैक करके लेकर के जाना है उस पार। चलो ठीक है, इसको जल्दी से हम ओके, ये हमारा हो गया। दूसरा वाला हमारा ये, अरे भाई वहां कहाँ जा रहे हो यार, मतलब हद है यार, इतना पानी पहली बार तो बह रहा है। अरे यार ओ माय गॉड भाई, बंदर वहां पे एक नाव चला रहा है कुछ ऐसे ही लग रहा है। ये देखो यहाँ पे हो सकता है दिख रहा वो, देखो भाई पता नहीं बंदर है या कोई आदमी, ये पता नहीं लेकिन वैसे ही लग रहा है कोई नाव में बैठा है वहां पे कुछ। यार रेंजल वेंजल तो नहीं है यार। चलो जो भी है पैक करते हैं निकलते हैं यार जल्दी से यहाँ से। क्या बात है, चलो भाई गाड़ी यहाँ से जल्दी से हम पैक कर लिए, बस हमें ट्रेलर को लेकर के चलना है। ओके चलो गाड़ी को घुमाते हैं पहले तो यहाँ से, और ट्रेलर पे हालांकि जो सामान रखा था उसको तो हमने पैक कर लिया है। चलो ठीक है ओके, और ट्रेलर को भी इसको हम अटैच करके लेके जाना पड़ेगा। कहाँ से अटैच करें भाई, ट्रेलर तो अटैच ही नहीं हो रहा, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी थोड़ा पीछे करके ले जाएंगे। अरे यार क्रेन काहे निकाल आए हो भाई, क्रेन नहीं निकाल रहे थे। चलो इसको थोड़ा खींचते हैं, और अच्छा गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा ऊंचा कर लेंगे ताकि निकलने में जो है कोई दिक्कत ना हो, आराम से गाड़ी हमारी निकलती चली जाए। गाड़ी का सस्पेंशन जो है थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे यहाँ से। चलो भाई ऊंचा हो जाओ, क्या बात, मजा आ गया भाई सच में, बहुत खतरनाक वाला सस्पेंशन है गाड़ी का। ओके चलो भाई, नदी बहुत भयंकर वाली बह रही है सच में, थोड़ा नहीं बहुत भयंकर वाली नदी। चलो चलो फिर निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, है ना। बहुत तो अजीब अजीब से आवाजें आ रही यार बहुत की। चलो ठीक है यहाँ से निकलते हैं जल्दी से ऊपर, और इसको पहले डिलीवर करेंगे, इसके बाद में देखेंगे आगे हमें क्या करना है। तो फिलहाल इस वाले डैम के जो साइड वाले मिशन से वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, देखते हैं जाना हमें कहाँ पे, जहाँ पे जाना है, रास्ता कौन सा जाना है, भटक न जाए यहाँ से, ये वाला रास्ता जाना है। चलो ठीक है यही वाला रास्ता आना है। जंगल बहुत ज्यादा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा, और घना जंगल है यहाँ पे। ये है कि अगर जो संभल के नहीं चलेंगे तो गाड़ी पलट सकती है, बिल्कुल इसीलिए हम संभल के चलेंगे ना, क्या दिक्कत वाली बात है ना। चलो 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 चलो, क्या बात है ओके। और सस्पेंशन पहली बात तो बहुत ऊंचा करके रखे हैं हम, तो इससे थोड़ा और दिक्कत ना हो जाए कहीं। चलो क्या बात है ओके, चलिए यहाँ पे फिलहाल आ चुकी है डिलीवरी पॉइंट पे, गाड़ी को यहीं पे खड़ी कर देंगे और सामान जो है फिलहाल इसको हम लोड कर देंगे। ओके चलो हमारा ये मिशन है कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर देंगे, गाड़ी को बंद कर देंगे, बाकी के देखते हैं और हमें मिशन कौन से करने हैं जो साइड मिशन मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो बाकी के अगर जो साइड मिशन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इतने साइड मिशन मिलने वाला है, उसके लिए तो वहाँ पे जाना पड़ेगा पहली बात। तो क्या
करें, सबसे पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। मिशन सारा ज़्यादा इसमें नहीं है, साइड मिशन बिल्कुल थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। तो क्या करें, यहाँ से ये वॉच टावर भी एक्सप्लोर करना है पहली चीज़ तो ये की। तो चलो एक गाड़ी को पहले तो हम बिल्ड कर लेते हैं यहाँ से, गाड़ी नहीं बिल्ड करेंगे तो चलेंगे, पहले तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। टायर वगैरह लगा देंगे इसमें ठीक ठाक वाले, और बीच वगैरह लगा दिए साथ के साथ। ओके चलिए ठीक है, ये हो गया। और हाँ लाइट वगैरह थोड़ा लगा दिए हैं, बाकी हमारा ये बम्पर वगैरह हो गया है, साथ ही साथ हमारा एग्जॉस्टर हो गया। गाड़ी हमारी फाइनली रेडी हो चुकी है चलने की। ओके तो चलिए यहाँ से फिलहाल निकल चुके हैं, बस अभी हमें आगे जाना है। चलो इधर से निकलते हैं, थोड़ा सा आगे घूम गए, कहाँ पे जाना है देख लें एक बार। जाना है हमें जहाँ, तो वहाँ पे जाने के लिए इधर से निकले ज़्यादा सही रहेगा, ये वाला रास्ता है ना भाई, ये रास्ता निकलेंगे ज़्यादा सही रहेगा। चलो बस लोकेशन मार्क कर लिए, बस हमें थोड़ा निकलना है इसमें, क्या बात है भाई। चलो एक्चुअल में हरियाली वाला डैम है तो एक अलग ही समझ लीजिए एक्सपीरियंस है चलाने का। ओके चलो ठीक है, क्या बात है भाई, अरे संभल के यार। असल में गाड़ी बहुत देर में मुड़ती है ना, और स्पीड हमारी ज्यादा है क्या भाई, गाड़ी स्पीड से ही लेकर के चलते हैं, क्या बात है। चलो ओह माय गॉड, जंपिंग करते हुए चल रही है, अच्छा भाई चलो ओके। ओके चलो भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, कि आखिर तो फिलहाल मिशन से जैसा कि मैंने पहले बताया वहीं पे पहुँचने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में वहाँ पे करना क्या है। चलो ठीक है, ज़्यादा दूर का रास्ता तो बचा नहीं, बस थोड़ी दूर का बचा हुआ है। चलो यार इतने बगल बगल में खंभे लगाए हैं कि कहाँ बताएं, अब गाड़ी जाने का ही रास्ता नहीं सच में, कहीं कहीं तो इतना बहुत कंजेस्टेड रास्ता हो जाता है यार। चलो ठीक है आ गए, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। चलो अच्छा, यहाँ पे ऑयल बैरिल 5 लेकर के आना है डिलीवर करना, देखते हैं भैया ऑयल बैरिल कहाँ पे पड़ी हो यार, मतलब कहाँ पता है, कहीं इसको छोड़ने की जगह ही नहीं मिली, मतलब वहां से यहाँ तक ऑयल बैरिल ही बैरिल है, उसको लेके किससे आएंगे भाई सच, मतलब 5-5 इस पे कहाँ आ जाएंगी यार, इस पर दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए हमें कोई दूसरा ट्रक हमें लगता है बिल्ड करके ले जाना पड़ेगा इधर से, है ना। हाँ यहाँ से हमें लगता है दूसरा ट्रक बिल्ड करके ले जाना पड़ेगा, नहीं लाने को तो ला सकते लेकिन दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाएंगी ना।
चलो फिलहाल क्या करेंगे, इस वाली गाड़ी को थोड़ा हम साइड में खड़ी कर देंगे, जितनी देर में हम क्रेन से लोडिंग करेंगे उतनी देर में हम दूसरा वाला ट्रक में बिल्ड करके जल्दी से लेकर के आ जाएंगे। चलो भाई जल्दी से दूसरा वाला ट्रक अपना बिल्ड कर लेते हैं। इसे यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्चुअल में मीडियम शटर वाला ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि तभी तो हम इस पर ट्रेलर को अटैच कर पाएंगे, तभी तो हमारा ट्रेलर कहाँ लगेगा। ओके चलो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो ठीक है, अब जल्दी से क्या करेंगे, एक हम ट्रेलर यहाँ से ले लेंगे चलो, ताकि जो है उस पर हमारा पाँचों के पाँचों ऑयल बैरिल जो है वो हमारे आ जाए। चलो ठीक है, ये देख लीजिए हमने ट्रेलर जो है यहाँ पे ले लिया है, और बस अब हमें निकलना है यहाँ से थोड़ा स्पीड से, नहीं ज्यादा वैसे दूर नहीं जाना है, बस गैरेज के पीछे से ही रास्ता यहाँ मिल जाएगा। ऐसे है ना भाई, कहाँ जा रहे हो यार। भाई वहां से नहीं है, नहीं तो गाड़ी कहीं और चली जाएगी, हमें थोड़ा पीछे से जाना पड़ेगा, बिल्कुल इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से दिक्कत हो जाएगी। चलो हाँ, आगे से एक्चुअल में इधर से रास्ता है, हम वहां गलत रास्ते पे मुड़ गए थे। चलो माय गॉड भाई, यहाँ का खंभा तो पूछो, वो तो मतलब आसमान में ही लटक रहा है, वो नीचे है ही नहीं खंभा। चलो ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा स्पीड से निकल रहे हैं, क्या बात है भाई, संभल के। चलो चलो, अरे भाई कितनी खतरनाक नदी है यहाँ पे। ओके चलो, थोड़ा घूम के निकलेंगे यहाँ से। चलो भाई क्या बात है। ओके अच्छा, यहाँ से थोड़ा हम क्या करेंगे, लोकेशन को मार्क कर लेंगे, ताकि हमें चलने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल लोकेशन को मार्क करके चलेंगे तो सिंपल से सीधा रास्ता पहुँच जाएंगे, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से ये वाला रास्ता चलने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ऑयल बैरिल ही पड़ी हुई है, एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक वो हो जाएगा, बाकी इधर से लूटिंग करते हुए निकल जाएंगे उधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जहां तक हो सकेगा वहां तक निकल जाएंगे। एक तो रास्ते में मिल जाएगी हमें ऑयल बैरिल, कहाँ पे भाई, यही पे होना चाहिए कहीं, है क्या यहीं पे, नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा हमें लगता और आगे जाना पड़ेगा। कहाँ पे है भाई, ये देखो यहाँ पे पड़ी है। चलो एक तो हम इसको उठा लेंगे, आ जा भाई। चलो एक हमारी फिलहाल यहाँ पे ऑयल बैरिल मिल चुकी है, इसको जल्दी से हम लोडिंग कर लेंगे यहीं से। चलो भाई ठीक है, चलो एक यहाँ से हो गई है, इसको यहाँ से बढ़ा के इसको हम लोडिंग कर देंगे। चलो बात,
ओके चलो भाई जल्दी से इसको पहला काम तो पैक करते हैं, पैक हो जाए भाई कहाँ से यहाँ से। चलो ठीक है ओके, सस्पेंशन नहीं ऊंचा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है इसीलिए ऊंचा नहीं करेंगे, जरूरत देखेंगे तो ऊंचा कर देंगे वो तो एक अलग की बात है, लेकिन अभी तो हमें क्या करना है, अभी तो एक यहाँ पे पड़ी हुई है ऑयल बैरिल, इसको पहला काम तो लोडिंग करना है। चलो भाई आ जाओ, ओह माय गॉड यहाँ देखो भाई रेत पे पड़ी है सच में, ओह माय गॉड भाई यहाँ पे पड़ी हुई है ऑयल बैरिल, देख लो भाई कहाँ पे ऑयल बैरिल पड़ी है, मतलब एकदम नदी के किनारे। चलो भाई इसको भी उठाते हैं जल्दी से, आ जाओ तुम भी जल्दी से आ जाओ, अरे संभल के यार, हाँ चलो ठीक है, क्या बात है ओके चलो ठीक है। हाँ अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पैक कर लेंगे बिल्कुल, चलो भाई पैक हो जाएगी क्या, यहाँ से तो नहीं लग रहा है, चलो ऐसे हो जाना चाहिए फिलहाल है ना। चलो ऐसे देखते हैं क्या बात है, चलो तो फिर यहाँ पे देख लीजिए दो हमारी जो है ऑयल बैरिल पैक हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, क्या करना भाई, अरे करना का है बाकी की तो लेके जाना है ना, एक यहाँ पे पड़ी है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं बाकी हमें रास्ते में मिल जाएंगी बिल्कुल, उनको लोडिंग करते हुए निकल लेंगे। चलो लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, रास्ते को भाई मार्क कर लेंगे ताकि हमें निकलने में कोई दिक्कत ना हो, एक्चुअली इतना घना जंगल है यार पता नहीं कहाँ पे गाड़ी चली जाए भटक जाए है ना, तो थोड़ा आगे चल के ये रास्ता चलना है ना, बहुत घना जंगल है भाई सच में, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा घना जंगल है। चलो ठीक है निकल रहे हैं अभी तो यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे हमारी ऑयल बैरिल पड़ी हुई है, चलो इसको लोडिंग करते हैं पहले, चलो भाई तुम भी आ जाओ। अब यहाँ देख लीजिए प्लस पॉइंट की अगर जो बात करें तो चाहते तो हम सिंगल वाले ट्रक में लोडिंग करके ले जा सकते थे, इसी बात नहीं कि नहीं ले जा सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई उसको बार बार पहली बात तो लोडिंग करना पड़ता, दूसरी बात इतना यार रास्ता यहाँ का खराब है, गाड़ी जरा सा इधर उधर हुई नहीं कि तुरंत सारे के सारे ऑयल बैरिल भाई नीचे दिखाई देते, इसीलिए हम सोचे चलो यार एक ट्रेलर लेके आके और उसी से जल्दी से लेकर के निकल चलेंगे है ना। ओके चलो क्रेन ऐसे रहने देंगे कोई बात नहीं, कि अभी एक वहाँ देखो रास्ते में उठाने उठाना है अभी तो फिलहाल, अच्छा तीन हो गए हैं बिल्कुल तीन जो है हो गए, बाकी के अभी दो जो है हमें रास्ते में और मिलेंगे। चलो यहाँ से तो भाई गाड़ी इतनी ही स्पीड चलेगी क्योंकि चढ़ाई काफी ज्यादा है, पुल के अंदर से भाई ही निकलना पड़ेगा यहाँ से बिल्कुल, चलो चलो ठीक है पुल के अंदर से निकलना पड़ेगा भाई, चलो संभल के यार ओके चलो बताओ ये दिक्कत है, बताइए जब ट्रेलर लेके चल रहे हैं तो ये दिक्कत है, कहीं सिंगल गाड़ी लेके चलते तो क्या होता। ओके चलो चलो भाई यहाँ तो हमें लगता है रस्सी से ही खींचना पड़ेगा गाड़ी है ना, पेड़ एक्चुअल में बगल में होते तो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती सच, कहीं कहीं डिसवांटेज भी हो जाती, अब डिसवांटेज की बात करें अगर जो पेड़ अगर जो काफी ज्यादा अगल बगल हो गए तब भी दिक्कत। चलो ठीक है माय गॉड भाई इतने भयंकर वाले रास्ते के आते हैं यार, चलो दो अभी ऑयल बैरिल एक्चुअल में और जो है पैक करना
के चलना है, थोड़ा से संभल के चलना है। बाकी के दो ऑयल बैरिल ये देखो भाई पड़ी हुई है, तो जल्दी से लोडिंग करना है। चलो जाओ भाई, अब समझ लीजिए कितने खतरनाक वाली चीजें पे खड़ी हुई। पहली बात नहीं, चलो आ जाओ, क्या बात है। नहीं, इनको क्या करेंगे, उठा के सीधा हम पैक कर लेंगे। चार हो गई, एक हमारा भी और आगे है ऑयल बैरिंग, बस पांच हो जाएंगे, बस निकल के सामने ही डिलीवर करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलो नहीं, क्रेन अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि अभी तो फिलहाल लोडिंग करना है ना आगे। बिल्कुल, क्रेन को अभी ऐसे ही रहने देंगे, कोई बात नहीं है। वो देखो अभी एक हमारी ऑयल बैरिंग यहाँ पे है। चलो चलो भाई, समझ गया। ओके चलो, इसको भी जल्दी से लोडिंग कर ले। आजा भाई, यार थोड़ा घूम के। ओके चलो, यहाँ पे देख लीजिए फिलहाल भाई, ब्रिज के नीचे जो है चल रहे हैं यहाँ पे, काफी बड़ा ब्रिज है, इसी के नीचे से निकलना पड़ रहा है सच में। चलो ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ फिलहाल देख लीजिए सारे के सारे भाई हमारे ऑयल बैरिल जो है वो पैक हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे सारे के सारे हमने ऑयल बैरिल जो है भाई ढूंढ ढूंढ के पैक कर लिए हैं। अब क्या करना है, इनको हमें डिलीवर करना है। चलो फिर निकलते हैं जल्दी से और इनको डिलीवर करते हैं। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे सस्पेंशन को ऊंचा नहीं किया है गाड़ी का, ये भी तो जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन मतलब भर का भाई वैसे ही ऊंचा है, उसको ऊंचा करना का है। बाकी कहीं दिक्कत देखेंगे तो अलग बात है, अभी फिलहाल निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। जाना कहाँ है, बस थोड़ी दूर और जाना है आगे, बस पहुंच जाएंगे फिर। चलो ओके, थोड़ा भाई संभल के घूम के। हाँ चलो ठीक है, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं यार, देख लें एक बार कहाँ जाना, कहाँ है पहुँच, कहाँ जाए। अच्छा तेरी इतनी दूर अब कौन घूम के जाएगा, हम तो भाई नहीं जाएंगे, सिंपली से यहीं से जंप मारेंगे। बिल्कुल भाई, जंप ही मारेंगे यहीं से, हम तो नहीं जाएंगे घूम के। चलो फिर भाई जंप लगाते हैं यहीं से, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया वाली जंप है यहाँ से, किसी बात नहीं है। अच्छा चलो स्पीड वाली लगा देते हैं जंप, क्या बात है भाई। ओके मजा आ गया भाई, ओह माय गॉड, सच में स्पीड वाली जंप लगाए थे वहां से। चलो क्या बात, चलो भाई दिक्कत कुछ नहीं हुई, फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हर मिशन में दिक्कत होती है लेकिन इसमें नहीं हुई, ये हमारा बहुत सिंपल तरीके से भाई मिशन हो गया सच में, कोई दिक्कत नहीं थी। बस जगह जगह पे पड़े हुए थे ऑयल बैरिल, ढूंढ ढूंढ के उठाना था, पैक करना था, चलना था, डिलीवर करना था, सो भाई हो गया। चलो जल्दी से इनसे पहले भाई लोड कर देते हैं। चलो ठीक है, कहाँ पे एक हो गया, तीन चार और एक पांच, यहाँ पे देख लीजिए फाइनली हमारा ये वाला जो मिशन है ये भी कहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसको भी जल्दी से हम सेट करेंगे गाड़ी को, फिलहाल इसको भी यहाँ पे साइड में लगा देंगे। चलो साइड में भाई इसलिए लगा देते हैं, कहीं कोई दूसरी गाड़ी अगर जो लाना हो तो ऐसा नहीं कि बार बार हम गाड़ियों को साइड में करते फिरे, इसीलिए हम गाड़ी को साइड में ही लगा के खड़ी करते हैं। लेकिन हाँ गाड़ी भाई आप हमारे पूरे मैप में खड़ी पाएंगे, भर भर की गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं यहाँ से वहां तक। ओके तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से देख लीजिए फिलहाल वॉच टावर पे हमें आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यही वाली गाड़ी हम लेंगे और यहाँ पे आएंगे वॉच टावर पे, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, देखते हो सकता है एक दो मिशन मिल जाए। लेकिन इस वाले हमें तो नहीं लगता, इस वाले टाइम में ज्यादा मिशन है साइड वाले, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट इसमें काफी होंगे लेकिन साइड मिशन जो है वो काफी ज्यादा नहीं है फिलहाल। चलो पहले तो लोकेशन मार्क करेंगे, जो रास्ता हमें जाना है, कहाँ से जाना है, कहीं से जाना है। चलो ये रास्ता निकलना है, दूसरे के खेतों में होते हुए निकलना है यहाँ से। चलो फिर निकलते हैं जल्दी से,
चलिए यहाँ से निकल चुके हैं, जंप करते हुए सीधा रेलवे रेलवे लाइन के उस पार जाएंगे। क्या बात है भाई, अच्छी बात है। अरे भाई दूसरे का खेत वेत देख के चलना यार, उसकी फसल वसल ना भाई बर्बाद कर देना बेचारे की। चलो ठीक है, क्या बात। ओके यहाँ से क्या कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं भाई वॉच टावर, वहां से पहला तो एक्सप्लोर करेंगे ताकि हमारा मैप जो है बचा कुचा ओपन हो जाए, वहां से जो पीछे मिशन जो है बचे हैं वो भी सिंपली से एक्सप्लोर हो जाए ताकि उनको भी हम कंप्लीट कर सकें। चलो भाई बढ़ते हैं। अरे यार वहाँ कहाँ जा रहे हैं यार आदमी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, घूम के आ जाएंगे। चलो ठीक है। अरे चलो ये देखो भाई यहाँ से क्या बात है। चलो यहाँ पे देख लीजिए, फिलहाल वॉच टावर पे हम पहुंच चुके हैं। मिशन से देखते हैं कौन से मिलने वाले। न्यू ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड, मोबाइल टेलीफोनी। अच्छा भाई टेलीफोनी वाला हमें लगता है सिर्फ एक ही मिशन मिला हुआ है यहाँ पे। चलो फिलहाल इसको लॉन्च करते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ ऊपर से इतना जंगल भरा वाला नजारा भाई है। बाकी का मिशन देखते हैं कहाँ पे हमें मिला हुआ है। ओ माय गॉड मोबाइल टेलीफोनी यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे आना है और इसको हमें एक्टिवेट करना है। चलो भाई एनपी से गाड़ी पहले घुमाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। चला भाई घूम जा, क्या बात है बिल्कुल। चलो गाड़ी तो फिलहाल घुमा ली, बस निकलना है टेलीफोनी को जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। चलो संभल के भाई संभल के। चलो ठीक है, कहाँ पे टेलीफोनी, ये रहा टेलीफोनी। चलो देखते हैं क्या है इसमें। ओके यहाँ पे एक ओ माय गॉड ओवरसाइज कार्गो डिलीवर करना है, मोबाइल टेलीफोनी ट्रेलर। कहाँ पे है भाई ट्रेलर, देख लेते हैं ट्रेलर। अच्छा यहाँ पे है ट्रेलर, ये हो गया। अच्छा इसी पे ओवरसाइज कार्गो भी है। ओके देख लेते हैं इसमें क्या मांग रहा है। अच्छा लो शटल मांग रहा है, चलो ठीक है। ओके यानी ट्रेलर भी हमें डिलीवर करना है और अच्छा ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। चलो ट्रेन से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें क्या करना होगा, ओवरसाइज कार्गो एक्चुअल में उस पर लोडिंग है, तो हमें पहला काम तो यहाँ पे गाड़ी ले जाना पड़ेगा। और यहाँ से देख लीजिए लो सेडल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सेडल लो इज रिक्वायर्ड, यानी जो सेडल लो है वो रिक्वायर्ड है। और जाहिर सी बात है ऑफ रोड ट्रक ही रहेगा। तो चलो क्या करेंगे अपना इस वाली ट्रक को थोड़ा साइड में कर देते हैं यहाँ से और चलते हैं फिर यहाँ से अपना ट्रक बिल्ड करके लेकर के आते हैं। ओके कहाँ है भाई यहाँ पे। चलो ट्रक हमारा बड़ी बहुत जबरदस्त है सच में। चलो ये वाला आपकी बार ले लें क्या। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये भी बहुत दमदार ट्रक है। चलो टायर वगैरह लगा ले भाई इसमें। ओके चलिए ठीक टायर लगा दिए, विंच हो गया, ये हो गया, साथ ही साथ एयर क्लीनर हो गया और यहाँ पे क्रेन हो गई, यहाँ पे हमारा लो सेटअप हो गया। चलो थोड़ा लाइट वगैरह लगा लेते हैं इस पर, क्या बात है भाई। और वगैरह हमारा ये हो गया, बाकी ए सी वैसे सब लगा लेते, चार्जर नहीं लगाएंगे इसे। चलिए ठीक, ओके चलो गाड़ी भाई रेडी हो चुकी है हमारी चलने के लिए। क्या करेंगे जल्दी से हम यहाँ से लोकेशन को मार्क करेंगे। लोकेशन को भाई मार्क क्या करना है, रेलवे लाइन से ही चलना है और कहीं नहीं चलना है यहाँ से, बिल्कुल वहाँ से आना है, यहाँ से सीधा निकलते हुए चले जाना है, बस यहाँ पे जाना है सीधा रेलवे लाइन को पकड़ के। चलो फिर भाई निकल लेते हैं जल्दी से वहाँ से। फिलहाल ट्रेलर और साथ ही साथ क्योंकि उस पर भाई ओवर साइज कार्गो भी लोडिंग है, उसी को वहाँ पर जैसे डिलीवर करेंगे वैसे ही हमारा मिशन जो है कम्प्लीट। फिलहाल तो यहाँ से निकल चुकी हैं। हाँ थोड़ा तो संभल के चलना पड़ेगा ना भाई, यहाँ से इधर मुड़ना है ना। हाँ चलो ठीक है, जितना हो सकेगा उतना शॉर्टकट लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हाँ अब यहाँ से जंप करके हमें उस वाली रेलवे लाइन पे जाना है, इस वाली। चलो भाई ओह माय गॉड संभल के भाई। अरे यार वहाँ कहाँ जा रहे हैं यार, रेलवे लाइन पे जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। चलो ठीक है क्या बात है,
जंगल बहुत ज्यादा है यार यहाँ रेलवे लाइन, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा है जंगल। चलो अभी तो उधर से ट्रेलर लाने में तो बहुत दिक्कत होगी। और इसमें जो है ट्रेन आप देख रहे हैं, ये ट्रेन वाला भी भाई मिशन मिलेगा, ट्रेन को पहुंचाना पड़ेगा यहाँ से वहां। सच में ये देखो भाई ट्रेन, अभी देखो इसको धक्का देके बहुत कहते से, ओहो माय गॉड, देखो खिसक गई पीछे। और चलो फिलहाल इसको सही जगह खड़ी है, इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे कुछ, इससे इसको चुपचाप खड़ी रहने दो यहीं पे, कि हमारा ओवर साइज कार्गो जो है वो निकल आएगा आराम से। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा ट्रेलर खड़ा हुआ है, बस इसी को लोडिंग कर रहा हूँ, निकल लेना है यहाँ से, है ना। चलो अरे भाई सुनल के, चलो ठीक है। क्या बात है, चलो जल्दी से इसको अटैच करते हैं। क्या बात, और सस्पेंशन ऊंचा कर लें क्या? चलो ठीक है ऊंचा कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, गाड़ी का कहीं फंसने का चांस भी नहीं रहेगा, आराम से गाड़ी हमारी चली जाएगी, है ना। ओके चलो फिर निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे ट्रेलर को हमने हालांकि अटैच कर दिया है, चलो फिर निकलते हैं। जाना कहाँ पे भाई, जाना हमें यहीं पे, लेकिन बस ये है कि घूम के जाना पड़ेगा, पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इस पार से उस पार तो जा नहीं सकते, इसीलिए हमें घूम के ज़्यादा जाना पड़ेगा, यहाँ से भाई घूम के जाना पड़ेगा। ये वाला रास्ता हमें इतना घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से, लोकेशन मार्क इसलिए कर दिए ताकि आराम से पहुंच जाए, कोई दिक्कत भी ना हो। चलो ठीक है, यहाँ पे डिलीवर करना, हो सकता है भाई टावर वगैरह ना काम कर रहा हो टेलीफोन का, इसीलिए इतना इक्विपमेंट जो है डिलीवर करना हमें पड़ रहा है। चलो भाई निकलते जल्दी से यहाँ से। चलो ठीक है, इस बार बोलेंगे कोई बात नहीं है। ट्रेन देखो भाई खड़ी हुई है यहाँ पे, ट्रेन बहुत गौर से देख रही है ऐसा लग रहा है सच। चलो चलते जल्दी से यहाँ से, लेकिन ये देख के चलना पड़ेगा भाई गाड़ी लोडिंग है सच में, इसीलिए उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके चलो चलो कोई बात नहीं, नीचे गाड़ी उतार दी, आगे से एक्चुअल में हमें मुड़के ही जाना है। ओके यहीं से मुड़ना है ना, तो यहीं से मुड़ना है। चलो अच्छा चलो चलो ठीक है, घने घने जंगलों के बीचों बीच होते हुए जाना, इसीलिए भाई ये वाला ट्रक लेके आए थे, इसमें बहुत ताकत है सच, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ही ताकत है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कर रही है। पहली बात तो इतना भयंकर सस्पेंशन उठा के रखे हैं, सस्पेंशन इतना ज्यादा उठा के रखे हैं और गाड़ी ज्यादा जंप कर रही है सच। चलो 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 ठीक है, बस जीने वाले हैं अभी मंजिल पे अपनी। थोड़ा इधर बढ़ के चलेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा इधर ही बढ़ के चलेंगे। चलो ओके यार संभल के, इसके बेचारे घर को रखो कर दे देना। चलो क्या बात है भाई, चलो ओह माय गॉड भाई, अभी भी हाई गियर पे गाड़ी चल रही है सच में, मतलब हाई गियर में अभी भी चल रही है, समझ लीजिए ये होता है गाड़ी का पावर, इसीलिए
गाड़ी में सच में पावर बहुत ज्यादा है, ज्यादा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इस वाली गाड़ी में पावर है। चलो यहाँ से कहाँ जाना है, बस थोड़ी दूर जाना है, ज्यादा दूर तो नहीं, रास्ता बचा हुआ है। ये देखो आ गए भाई अपना टेलीफोन वाले जगह पे। चलो भाई इसको जल्दी से डिलीवर कर देते हैं। ओके, अरे यार पीछे कर ले, इसको अनलोड करना पड़ेगा ना। चलो ओके, यहाँ देख लो भाई ट्रेलर सहित गायब हो गया है फिलहाल हमारा ओवरसाइज कार्गो। तो फाइनली हमारा जो ये मिशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल टेलीफोनी वाला जो भी मिशन था। तो चलिए अभी इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, गाड़ी को फिलहाल यहीं पे बंद कर देंगे, बाकी का देखते हैं साइड मिशन यहाँ पे कौन से बची हुई हैं। ओके, तो यहाँ तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे फिलहाल एक वॉच टावर दिख रहा है और उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पे एक हमें मिशन दिख रहा है, ये देखो ट्रक फंसा हुआ है, और ये ट्रक कहाँ पे फंसा हुआ है वो भी देखना पड़ेगा भाई। यहीं पे फंसा हुआ है क्या, ये भी हमें लग रहा है कहीं पे तो फंसा हुआ है। अच्छा यहाँ पे फंसा हुआ है, इसको हमें लगता है यहीं पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो चलो गाड़ी हमारी यहीं पे खड़ी है, इसको लेकर के जाएंगे और ये वाला ट्रक ले करके आके यहीं पे हम डिलीवर कर देंगे। चलो पहले तो स्विच हो जाते हैं यहाँ गाड़ी पे। चलो ठीक है, यहाँ पे स्विच हो चुके हैं। यहाँ भी बहुत गहरे वाले नाले में फिलहाल अभी गाड़ी हमारी पड़ी है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा भाई, पहले तो ऊपर निकलना होगा यहाँ से इतने गहरे गड्ढे में। पहली बात तो गाड़ी खड़ी है हमारी। चलो कहाँ से निकले, यहाँ से निकले। चलो ठीक है भाई, यहाँ से निकलते हैं ऊपर। ओके चलो, चलो 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 चलो। अरे यार मतलब बैक गियर लग गया गाड़ी एकदम, तो सच गाड़ी में बैक गियर लगते देर नहीं लगती, गड्ढे का तो पूछो मत, गड्ढे गए तो भाई गड्ढे हैं यहाँ पे। चलो ओके, चलो भाई सामने, हाँ थोड़ी दूर जाना है, ज्यादा दूर तो नहीं जाना है, आगे बस वहीं पे मिल जाएगा हमारा गॉड स्टक ट्रक। चलो ओके, चलो ठीक है, कहाँ पे है भाई देख लेते एक बार मैप पे कहाँ पे। ओह माय गॉड यहाँ पे है। चलो यहाँ से आके यहाँ पे आना पड़ेगा, ट्रक कौन सा है। ओह माय गॉड ट्रक भाई बहुत भयंकर वाला है ये, पता नहीं सीधा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है इसके लिए क्रेन ना लानी पड़े। सच में ट्रक बहुत बड़ा वाला है, छोटा वाला नहीं बहुत बड़ा वाला ट्रेन ट्रक है। और इस वाली गाड़ी में इतनी ताकत भी नहीं कि ये भी हो सकता है कि शायद सीधी हो जाए, लेकिन हमें फिलहाल तो नहीं लगता है यार। ट्रक एक्चुअली में बहुत बड़ा है, ये देखो ये, और ट्रक नहीं पूरी की पूरी भाई क्रेन है ये। ये देखो भाई लिट्टी पड़ी है भाई, पूरी क्रेन पूरी की पूरी भाई क्रेन जो है वो क्या करें इसको, पहले तो हमें सीधा करना पड़ेगा गाड़ी को। चलो इसको पहले तो सीधा करते हैं, यहाँ से गाड़ी को पहले उस पोजीशन में हमें लगाना पड़ेगा जिस पोजीशन में हमें गाड़ी को सीधा करना होगा। पहली चीज तो ये, ओके चलो भाई गाड़ी को पहले तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। क्या बात है यार तुम भी ना पलट जाना। अरे हमें भाई याद है यार, हम तो सीधा कर ले, हम तो नहीं पलट गए। अच्छा भाई चलो पलट गए, सब पलट गए, तो सीधा ही करना पड़ेगा ना। अच्छा ओके, क्या बात है। अच्छा सस्पेंशन इसका थोड़ा नीचा कर लेंगे। चलो अब सही है, गाड़ी जो है वो हमारी जल्दी पलटेगी। चलो पहले तो इसको थोड़ा हम ऊपर लेके चलते हैं गाड़ी को।
पहले भाई खुद तो चढ़ जाओगे, है ना। चलो अब सही है, पहले खुद नहीं चढ़ेंगे तो गाड़ी को चढ़ाएंगे कैसे, है ना। चलो ठीक है, बस करो यार। अब इसको पहले तो हमें सीधा करना पड़ेगा इस वाली गाड़ी को भाई। चलो जा रही गाड़ी हमें याद है भाई कहाँ बढ़ाने को सोच रहे, गाड़ी कहाँ जा रही है। चलो यार इसको खींच के पहले लाएं ऊपर। चलो आजा भाई, अरे यार उसमें AWD भी नहीं है, समस्या तो एक ये है। चल अब गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन यार ये डिलीवर कैसे हो, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत भयंकर वाली भाई हमें लगता है गाड़ी है। अब यार क्या करें, हमें लगता है गाड़ी इसके लिए दूसरी लानी पड़ेगी भाई, इस वाली गाड़ी से यार तो बहुत मुश्किल है निकलना। चलो यहाँ से देखते हैं खींच के। अरे यार हमें हद है भाई, वो धूम उलट गई यार। चलो चलो आ जा भाई, और थोड़ा। चलो 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 यार, यहाँ तो ताकत लगाओ यार। चलो और भाई बहुत गहरे गड्ढे में फंसी है गाड़ी यार, एकदम से चढ़ ही नहीं पा रही। और हमें आता है भाई, बहुत गहरे गड्ढे में गाड़ी पहली बार तो फंसी है। AWD उसमें आम नहीं है, सबसे दिक्कत वाली बात देखिए। आजा और आजा भाई, आजा 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 आजा, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। चलो 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 यार, और चलो यार, और थोड़ा जोर लगा के यार चलाएगी, थोड़ा सा और यार, थोड़ा सा और थोड़ा सा। चलो 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 याद है भाई, कल ले रही यार एकदम से गाड़ी चढ़ाई पे एक्चुअली। और चलो 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 और थोड़ा यार, चढ़ जाओ यार, पहिए बहुत ज्यादा स्लिप हो गए यहाँ पे पहली बार तो। और थोड़ा चलो चलो चलो, चलो और अच्छा। तो यार क्या करें, अच्छा तो चलो गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, यहाँ से देखते हैं खींच के, यहाँ से तो यार निकल आना चाहिए ना। अच्छा यहाँ से तो निकल आना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, अच्छा थोड़ा और आगे गाड़ी को बढ़ा लेंगे ताकि हमारी गाड़ी जो है वो आराम से चल जाए। और इसको लेकर किधर जाना है, ये रास्ता जाना है क्या भाई, कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले जाना भाई, इसको भी बहुत संभल के ले जाना पड़ेगा यहाँ से, सच में यहाँ पे एक्चुअल में लेकर के इसको आना है तो रास्ता भी बहुत सोच समझ के लेकर के आना पड़ेगा।
श्योर, उसको अटैच करते हैं पहले। चल आ जा भाई। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा। और थोड़ा, अरे भाई और थोड़ा जोर लगा के, और जा 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 भाई, आ जा भाई। गॉड भाई बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, समझ गए। और थोड़ा चलो, भाई बहुत भयंकर। और ये देखो पत्थर भी पड़ गया, मतलब यार हद है। और थोड़ा चले आओ, चलो और आजा 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 भाई, आजा आजा। और चलो क्या करें, थोड़ा सा बचा हुआ है भाई। आ जा आ जा भाई, और थोड़ा और थोड़ा। आ जा यार, अब क्या करें, यहाँ से गिरे ना यार गाड़ी। चलो थोड़ा गाड़ी को और बढ़ाते हैं, अभी आवाज आनी चाहिए है ना। बिल्कुल, चलो देखते खींच के इसको। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह माय गॉड भाई, याद हो गई यार इतना बताओ। पहली बात तो इसमें यार AWD नहीं है, फिर इसको इतनी दूर से खींच करके लेके आना भाई, सच में बहुत चैलेंजिंग वाली बात थी इसमें। चलो फिलहाल लेकिन इसी तरीके से इसको खींच कर लेकर आ चुकी हूँ। चलो चलते जल्दी से। लेकिन अब हमें क्या करना होगा भाई, बहुत ठीक ठाक रोड लेकर के जाना होगा, खास करके इस वाली गाड़ी को। इतने कहीं देख सकते हैं, मैं तो गाड़ी पड़ी थी। अच्छा जाना कहाँ से, ये पहले देख लें, यहीं से मुड़ लें क्या? हाँ यहीं से अगर जो हम मुड़ेंगे तो ये रास्ता लेकर के जा सकते हैं, सही रहेगा। बाकी का अगर जो भाई ये रास्ता हम आते हैं तो हाँ ये भी हो सकता है, दिक्कत ना हो, है ना। इसी वाला पास में पड़ेगा, ये वाला थोड़ा घूम के पड़ेगा, है ना। चल यही निकलते हैं, फिलहाल जो रास्ता चल रही है ना। चलो भाई चलो, फिलहाल जैसे ही ये वाला ट्रक जो है डिलीवर करेंगे, वैसे हमारा मिशन जो है वो भाई काफ़ी दिक्कतें हुई इस वाले मिशन में। यार ये क्या भाई, इतना ज़्यादा गड्ढे गुड्ढे यार हमें दिख रहे हैं आगे, निकल पाएगी गाड़ी यार? क्यों गड्ढे गुड्ढे यार बहुत ज़्यादा हो गए, निकल पाएगी क्या गाड़ी यहाँ से? यार गड्ढे गुड्ढे बहुत ज़्यादा, इधर वाली बराबर थी रोड, तो क्या करें, इधर ही से निकलने क्या? चलो भाई इधर ही से निकलते। थोड़ा घूम के निकलने के सही रहेगा भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं इधर से घूम के निकलने का सही रहेगा एक्चुअली, वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा गड्ढे गुड्ढे, कहीं पलट गई गाड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, इससे बेटर है थोड़ा घूम के ही निकल लें, है ना। अरे यार सीढ़े तो होने दो। चल ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं कौन रास्ता लेकर के चले गाड़ी, मगर जो ये रास्ता लेकर के चलते हैं तो फिर दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे।
भाई अपना यही रास्ता लेकर के आएंगे, सही रहेगा, थोड़ा घूम के कोई बात नहीं है ना, लेकिन ठीक है रास्ता। फिर कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल चलो, ये रास्ता आने वाले हैं है ना, ये रास्ता है ना, सही है। चलो फिर निकलते हैं अपने यही वाले रास्ते। हाँ ये रास्ता सही है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना बड़ा भाई क्रेन लेके चल रहे हैं तो थोड़ा घूम के चले जाएंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कीचड़ वगैरह पड़ेगा कोई बात नहीं, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन बस ये है कि गाड़ी कहीं पलट ना जाए, ये चीज देखना पड़ेगा। चलो अच्छा, हम समझ रहे थे कोई छोटा मोटा ट्रक होगा, अपना डिलीवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां जब भाई उठाने गए तो बताओ इतना बड़ा ट्रक हो गया, साथ ही साथ बताओ ट्रेन ट्रेन के साथ जो है अटैच। ओके चलो भाई निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, और लोकेशन तो हालांकि मार्क हमने पहले से करके रखा है, दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें जाना है और इसको डिलीवर कर देना है। चलो फिलहाल यहाँ से तो निकल चुकी है, इसीलिए थोड़ा घूम कर चल रही है, इसीलिए ताकि हमारी गाड़ी जो है आराम से निकल जाए। नहीं घूम के जाने से ठीक है यार, नहीं पलट जाएगी तो पहली बात तो यार जल्दी ये उठती नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये, इतना सीधा करने में इतना ज्यादा दिक्कत हुई, काफी ज्यादा टाइम भी लगा भाई इतना गाड़ी सीधी करने में। क्रेन है उसके लिए क्या क्रेन लेके आना पड़ता, लेकिन हम सोचे भाई कौन क्रेन लेने जाए, इसी गाड़ी से धक्का धुक्का लगा के भाई सीधा कर ली, तो फाइनली चलो सीधा तो हो गई और निकल भी आए यहाँ तक हम। चलो यार तो भाई क्या नजारा है यहाँ का, सच थोड़ा नहीं बहुत कीचड़ देखो, मतलब खाद कीचड़ देखो कितना भयंकर वाला, बहुत ज्यादा कीचड़ है। खास बात तो ये गाड़ी में AWD जो है वो लगी ही नहीं थी, बिल्कुल AWD की अगर भी बात करें वो नहीं लगी है, पीछे वाली गाड़ी वो लगी होती तो चारों पहिए घूमते फिर क्या बात। ओके चलो गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा के, अच्छा वहां जाएंगे कि आने घूम के निकल के ट्रक के लिए यार यहाँ से कैसा रास्ता हो गया। चलो चलो भाई आ जाओ, वैसे नहीं तो ऐसे क्रेन से खींच के निकाल लेंगे कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से निकलना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, कहाँ जाना है भाई? इस वाले रास्ते ना, चलो भाई गाड़ी तो घुमा ले। ठीक है चलो, और अभी घुमाना पड़ेगा है ना, चलो थोड़ा और घुमा लेते गाड़ी को, बस अब ठीक है ना। चलो हाँ ये एक्चुअल में सही रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से अपना निकलते भी चले जाएंगे, बात भी नहीं है ना। चलो
यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे हैं क्या यार? कहाँ से गाड़ी निकाले यार? यहाँ से नीचे से निकाल लें क्या? ऐसा लग रहा है इतनी नीचे से नहीं, चलो ऊपर से निकालते, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन। चलो चलो निकल आई छोटे से पुल पे गाड़ी। तो यहाँ से किधर चलना है वो भी देख लेते एक बार, कहाँ चलना है। यहाँ से भाई इधर मुड़ के चलना है, इस वाले रास्ते से, बिल्कुल इस वाले रास्ते से होते हुए यहाँ से फिर यहाँ पे आना, यही पे आना है ना। डिलीवर कहाँ करना है यार, ये तो कन्फर्म हो। अबे भाई मिशन एक्टिवेट नहीं किए थे क्या? अबे भाई मिशन ही नहीं एक्टिवेट है यार। चलो कोई बात नहीं, नहीं एक्टिवेट है वहां चलते हम एक्टिवेट कर लेंगे। यार यहाँ दिक्कत हो जाएगी क्या? चलो से अगर जो लेकर के आते तो निकल आते, लेकिन अब थोड़ा सा भाई भूल गए, यही होता है थोड़ा सा चूक नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, निकल लेंगे, निकल आएगी इधर से गाड़ी। चलो भैया जाओ, और कोई जुगाड़ बचा नहीं है। चलो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा ना। हाँ यहाँ से नहीं निकल पाएगा भाई। चलो उसको यहाँ से खींचते, आ जा भाई। ओके तो आ जा पीछे,
लटक गया ना। हाँ चल चल, और थोड़ा की कगार पे यार, सच में। चल चलो भाई ठीक है यार, काफी दिक्कतें हो रही है यार इसको डिलीवर करने में सच में। नहीं वहां से तो ठीक ठाक चलो निकाल लाए, लेकिन दिक्कत असल में जब होती है, जब या फिर गाड़ी ताकतवर ना होगी या फिर रोड खराब हो, दिक्कत भाई तभी होती है। थोड़ी बहुत नहीं होती, काफी ज्यादा दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे, अब भाई देख के चलेंगे सच। चलो ठीक है, अब इसको हम यहाँ से वहाँ कर लेंगे। चलो भाई आ जाओ। चलो अब तो आओगे ना। बच गया भाई, काफी गाड़ी जो है उलटते उलटते हमारा ट्रक बच गया, समझ लीजिए आप। सर उधर एक किनारे एक्चुअल में छोटा सा पेड़ है, वो निकलने नहीं दे रहा था, इसीलिए तो और दिक्कत। चलो यार गाड़ी तो सीधी हो जाओ। चलो ठीक है ओके। अब निकल जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस ठीक है पहुंचना है, पहुंचना है ना। लेकिन अगर जो इसके बजाय दूसरी गाड़ी लेकर के हम आते तो वो फिर चाहे जहाँ उसको लेकर के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी ले आते तो और कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे भी तो भाई बहुत ताकतवर होती, कहीं भी लेकर के चले जाओ। चलो यहाँ से भी आगे तो ये वाला भाई बस लास्ट मिशन है इस वाली वीडियो का, क्योंकि काफी ज्यादा जो है दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी इस वाली मिशन में फिलहाल। लेकिन चलो डिलीवर करने के बाद बाकी हमारा एक मिशन जो है कम्प्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद फिर बाकी की मिशन जो है वो हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे, इस वाली वीडियो में भाई नहीं कवर कर पाएंगे। ओके चलो देखो सामने बस हमारा डिलीवरी पॉइंट आने वाला है। चलो भाई काफी ज्यादा दिक्कतें हुई इसको ट्रक को लाने में वहां से यहाँ तक, लेकिन चलिए फिलहाल फाइनली जो है वहां से यहाँ तक हम पहुंच ही गए। दिक्कतें तो काफी हुई हमें, और चलो मिशन देख लीजिए, लेकिन मिशन भी एक्टिवेट नहीं कि ट्रक हम खींच के ले आए, ये समझ लीजिए आप। चलो भाई पहले तो हम ट्रक मिशन को एक्टिवेट करके ट्रैक कर लेते हैं। हो गया भाई, वाह भाई। चलो ठीक है, ये हमारा मिशन जो कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाड़ी को यहाँ फिलहाल हम साइड में लगा देंगे, बाकी फ्यूल वगैरह यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूल यहाँ पे अनलिमिटेड मिलने वाला है। गाड़ी को यहाँ पे साइड में लगा के बंद कर देंगे। चलो ओके, यहाँ फिलहाल देख लीजिए हमने यहाँ पे वॉच टावर तो हमने एक्सप्लोर ही कर दिया था, मिशन जो यहाँ के कम्प्लीट कर दिए, बाकी के अभी ये वाला वॉच टावर भी एक्सप्लोर होना बाकी है, साथ ही साथ इधर वाला वॉच टावर जो वो भी एक्सप्लोर होना बाकी है। मे बी इसमें साइड मिशंस तो ज़्यादा हमें लगता नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो मिशंस हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो बिल्कुल भाई, अगर जो आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वंटी नहीं दबाएं तो घंटी वंटी दबा दीजिए, जैसे ही लाइव आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनको भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी स्ट्रीम पे आने के लिए, विजिट करने के लिए, हमारा गेम प्ले देखने के लिए, साथ ही साथ हमसे चैट में बात करने के लिए, उनको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो
भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा लाइव सेशन 3:30 से 8:30 के बीच में चलता है, घंटी आप दबा के रखेंगे तो जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप हमारा गेम प्ले मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर जो आपको कोई भी दिक्कत आती है गेमिंग से संबंधित, पीसी से संबंधित, बिल्कुल आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम तुरंत आपको आंसर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत भाई धन्यवाद।